जिंदगी के साथ खेले। 1 2 3 थोड़ा लेफ्ट और हार्ट थोड़ा राइट, खेलूंगा मैं खेल ऐसा हूं मैं सबजूत सारे पागल बन गए चले हैं जो। अरे मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हैं, फुल सेटिंग कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट, और जानते हैं मेरे बाप कौन है? भाई साहब कौन नहीं जानता। 1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। उनकी किताब पावर्टी इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी। आप पारसी लोग जो हैं हमारे देश की शान हैं। मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ। आप पारसी नहीं है, आप पारसी नहीं है, हैं? आप दादा भाई नौरोजी के बेटे, मतलब ये रोड आपके बाप की नहीं है? मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है? या फिर बिना सीट बेल्ट पाए फोन पे गल कर दो, शर्म नहीं आती तुहानू? हेलो, पैसे पार देना पाजी। फर्ज करो ए रोड मेरे बाप दी होंदी, फिर ते मैं उन्नू भी फड़ लैंदा। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप के नहीं है। शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत जमावल की क्रैक्स फिल्म के बारे में। तो क्रैक्स फिल्म विद्युत जमावल की एक्शन फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए तैयार हो चुकी है। क्रैक्स बॉक्स ऑफिस फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इतने करोड़ की कमाई, क्रैक मचाएगी तबाही। आप सभी लोग क्रैक्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पहले ही दिन ऑफिस पर कलेक्शन पहले दिन का नीचे देख सकते हैं। तो क्रैक फिल्म सिनेमाघर में यदि आप देखने जा रहे हैं तो आपको इस फिल्म की टिकट 99 रुपये में आप आसानी से एक फिल्म को देख सकते हैं। इसमें इस फिल्म की कमाई में काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्सों के मुताबिक इस फिल्म की पहले दिन टिकट 50,000 से अधिक बिक चुकी है और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग अभी जारी है। यह फिल्म का बजट 60 करोड़ है और आने वाले समय में क्रैक फिल्म 60 से 90 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। क्रैक फिल्म की बॉक्स ऑफिस के पहले दिन सैनिक के अनुसार 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अभी यहां आंकड़ा अनुमानित आप लोगों के सामने पेश किया गया है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी आना बाकी है। क्रैक अगर हिट होती है तो ये डबल कमाई कर सकती है। बॉक्स ऑफिस में इन दिनों क्रैक का क्रेज जारी है और लोग इस फिल्म में अपनी रुचि भी दिखा रहे हैं। ऐसे में ये कहना सही होगा कि फिल्म आने वाले समय में तबाही मचाएगी। क्रैक फिल्म में अलग अलग किरदार देखने को मिलेंगे, जैसे विद्युत जमावल के साथ नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल और एमी जैक्सन मुख्य किरदार में नजर आएंगे। वहीं साथ साथ इस फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है। इस फिल्म में विद्युत जमावल और अर्जुन रामपाल पर्दे पर एक साथ एक दूसरे के सामने पहली बार दिखेंगे। ट्रेलर को देखने के बाद दोनों के एक्शन को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। तो क्रैक फिल्म में जहां एक तरफ टिकट की कीमत 200 से 250 रुपये रहती है, वहीं इस फिल्म का टिकट केवल 99 रुपये है और बॉक्स ऑफिस में पहले दिन इस फिल्म का आंकड़ा करोड़ के पार जाने वाला है। वहीं देशों में 750 से अधिक स्क्रीन रिलीज की गई है और दुनिया भर में 3750 स्क्रीन रिलीज हुई हैं। केवल भारत में 2000 स्क्रीन पर रिलीज की गई है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारा ये आर्टिकल जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको क्रैक फिल्म ट्रेलर एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म में विद्युत जमावल का मुकाबला अर्जुन रामपाल से है, आदित्य धर द्वारा निर्देशित एमी जैक्सन और नोरा फतेही भी इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आएंगी, एक्शन थ्रिलर क्रैक जीतेगा तो जीतेगा वही जिएगा के निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है। विद्युत जमावल ने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर वीडियो के साथ प्रशंसकों का मनोरंजन किया है। फिल्म में विद्युत जमावल और अर्जुन रामपाल को एक्शन मोड में दिखाया गया है। आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी हैं। फिल्म के अभिनेता विद्युत ने कहा है कि क्रैक के साथ मेरा दृष्टिकोण भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ी स्पोर्ट एक्शन थ्रिलर पेश करेगा और मैं उस असाधारण टीम का अभिनेता रहूंगा जिसमें इस सपने को हकीकत में बदल दिया है। हमने जो एड्रेनलाइन से भरपूर दृश्य तमाशा तैयार किया है उसका उद्देश्य दर्शकों को मोहित करना है जिससे वह उत्सुकता से और अधिक की उम्मीद कर सकें। तो आदित्य दत्त ने कहा है कि क्रैक विद्युत के साथ मेरी दूसरी विशेषता है
और इस बार मेरे साथ अर्जुन भी शामिल हैं। जब आपके पास अर्जुन रामपाल और विद्युत जमावल हैं जो वास्तविक जीवन और फिल्मों दोनों में मर्दांगिनी का प्रतीक हैं, तो एक अद्भुत एक्शन काम्बो है। फिल्म निर्माता हैं तो क्रैक जीतेगा तो जिएगा 30 फरवरी को सिनेमाई घरों में रिलीज होने के लिए है तैयार। फिल्म का निर्देशन करने वाले आदित्य दत्त को आशिक बनाया आपने 2005 और टेबल नंबर 21 2013 जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्म का आधिकारिक विवरण कहता है, क्रैक मुंबई की मलिन बस्तियों को चरम भूमिगत खेलों की दुनिया तक एक आदमी की यात्रा है। तो ये फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत और एक्शन हीरो फिल्म्स और पीजेड पिक्चर्स निर्मित है। विद्युत जमावल, पराग सांघवी और एक्शन हीरो फिल्म्स एंड टीम द्वारा निर्मित है। आदि शर्मा और आदित्य चौकसी द्वारा सह निर्मित की गई यह फिल्म है। विद्युत जमावल और नोरा फतेही स्टारर फिल्म क्रैक रिलीज हो गई है। फिल्म सिनेमाई घरों में दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही है और फैंस इस पर अपना भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। क्रैक यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 के साथ थिएटर्स में रिलीज हुई है। इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी परफॉर्मेंस दे रही। रिपोर्ट्स फिल्म क्रैक 23 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। सनक्लिक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन फिल्म ने 4.25 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी, वहीं दूसरे दिन भी फिल्म दमदार कमाई कर रही है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक ने शनिवार को अब तक 2.75 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसी के साथ दो दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर क्रैक का कुल कलेक्शन 7 करोड़ रुपये हो गया है। क्रैक यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 के साथ पर्दे पर आई है। क्लैश के बाद भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। हालांकि कमाई के मामले में आर्टिकल 370 विद्युत जमावल की फिल्म से आगे चल रही है। जहां क्रैक के दो दिनों का कुल कलेक्शन 7 करोड़ रुपये है, तो वहीं आर्टिकल 370 का कुल कलेक्शन 13.4 करोड़ रुपये है। तो क्रैक स्टार कास्ट प्रोडक्शन और स्टोरी के तहत क्रैक एक एक्शन स्पोर्ट फिल्म है जिसका बजट 45 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म को एक्शन हीरो फिल्म से प्रोड्यूस किया है और आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में विद्युत जमावल का एक्शन अवतार लोगों को खूब पसंद आ रहा है। क्रैक में नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल और एमी जैक्सन भी अहम रोल में नजर आ रही हैं। तो फिल्म मुंबई की मलिन बस्तियों से खेलों की दुनिया तक पहुंचने वाले एक आदमी की जर्ना को दिखाती है। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जमावल की क्रैक 2023 फरवरी को सिनेमाई घरों में रिलीज हुई है। इसमें एक बार फिर एक्टर ने अपने एक्शन अवतार से फैंस को चौंकाया है। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी, वहीं यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 के साथ क्लैश के बावजूद क्रैक शानदार कलेक्शन कर रही है। जानिए तीसरे दिन विद्युत जमावल की फिल्म ने कितने करोड़ का किया है कलेक्शन। तो विद्युत जमावल की क्रैक को ऑडियो और वीडियो ऑडियंस को काफ़ी क्रिटिक्स में मूवी को मिक्स व्यू मिल रहे हैं। हालांकि ओपनिंग डे पर फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। विद्युत जमावल की क्रैक ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 4.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, वहीं दूसरे दिन यानी कि शनिवार को क्रैक की 2.15 करोड़ की कमाई हुई थी। अब तीसरे दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। साइक्लिंक की रिपोर्ट के मुताबिक विद्युत जमावल की क्रैक ने तीसरे दिन यानी रविवार को 2.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। हालांकि ये अर्ली एस्टीमेट है और ऑफिशियल डेटा आने के बाद कमाई के आंकड़े में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। इस तरह विद्युत जमावल की दिनों में भारत में 8.80 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। और क्रैक एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है जिसमें विद्युत जमावल के अलावा नोरा फतेही और एमी जैक्सन में अहम भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल विलेन के रूप में नजर आएंगे। इसका निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है। फिल्म के सीन में अर्जुन और विद्युत शॉर्टलेस होकर फाइट करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं वाकई में शानदार हैं क्रैक की विद्युत जमावल ने अपने प्रोडक्ट। तो दोस्तों, क्रैक को क्रैक के नाम से ही भी जाना जाता है। जो जीतेगा तो जिएगा सन 2024 की
भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है जिसे आदित्य दत्त द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है। एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जमावल, इसमें विद्युत जमावल, अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन, इसे भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म माना जा रहा है। क्रैक 2023 में फरवरी 2024 में रिलीज हुई। क्रैक 23 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई थी। तो मुंबई की जुग्गी झोपड़ी में रहने वाला सिद्धू अपने खोए हुए भाई निहाल के बारे में सच्चाई जानने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत अस्तित्व खेल प्रतियोगिता मैदान में शामिल होता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है। तो उनके बारे में, तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में विद्युत जमावल हैं और देव के रूप में अर्जुन रामपाल हैं, आलिया के रूप में नोरा फतेही हैं और प्रेटिसा नोवाक के रूप में एमी जैक्सन हैं। राजेंद्र सिसलकर सिद्धू के पिता के रूप में हैं। सलका पवार सिद्धू की माँ के रूप में हैं। अंकिता मोहन निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई के रूप में अपने रोल को प्ले कर रही हैं। मार्क के रूप में विजय आनंद देव के दत्तक पिता और मैदान के संस्थापक के रूप में हैं। जुनैदा के रूप में जेमी लीवर हैं। जैक के रूप में माइकल ओबशू हैं। बलून मैन के रूप में कैलाश पाल हैं। पूजा सावंत रोम रोम गाने में विशेष भूमिका में थी। रुक्मणी मैत्रा गीत रोम रोम में विशेष उपस्थिति के रूप में हैं। रोम रोम गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में एमसी स्क्वायर हैं। तो अपने प्रोडक्शन वैनर एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जमावल इस फिल्म में आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं, जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है। शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हुई थी। तो जैकलीन फर्नांडीज तो विद्युत जमावल के साथ जोड़ी बनाने वाली थी, लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही ने ले ली है। तो फिल्म का संगीत तनिष्क बख्शी, एमसी स्क्वायर और विक्रम मंटूज और मिथुन ने तैयार किया है, जबकि गीत गुरप्रीत सैनी, तनिष्क बख्शी, शेखर अस्तित्व और पैराडॉक्स मिथुन, अभिनव शेखर और विक्रम मंटूज ने लिखे हैं। तो इस फिल्म में पहला गाना जिसका शीर्षक दिल झूम था और जिसे पाकिस्तानी गायक अली जफर ने 2011 एल्बम झूम के शीर्षक गीत का रीमेक थी। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 दिल झूम, इसे गुरप्रीत सैनी, तनिष्क बख्शी, विशाल मिश्रा, श्रेया घोषाल जी ने गाया है। नंबर 3 गाना नंबर 2 रोम रोम, इसे MC स्क्वायर और MC स्क्वायर तनिष्क बख्शी ने इसे गाया है। नंबर 3 जीना हराम, इसे तनिष्क बख्शी, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव जी ने गाया है। नंबर 4 क्रैक टाइटल ट्रैक, इसे शेखर अस्तित्व और विरोधाभास और विक्रम मंटोच और विरोधाभास जी ने इसे गाया है। नंबर 5 ख्याल रखना, इसे मनोज मुतंसिर मिथुन ने गाया है। नंबर 6 खेल, इसे अभिनव शेखर, विक्रम मंटूज, अभिनव शेखर और विक्रम मंटूज ने इसे गाया है। तो क्रैक 23 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। तो क्रैक को इसके एक्शन दृश्यों और अवधारणा और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के साथ आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट और रन टाइम थिएटर वेबसाइट पर राइटन टेमेटोज पर 17 आलोचकों में से 14% की समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4 रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा है कि क्रैक जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर फेस करता है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया में एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि ये पूर्व अनुमानित ट्रॉप्स पर निर्भर है और कुछ हद तक कमज़ोर कहानी आपको और अधिक चाहने वालों पर मजबूर कर सकती है। तो फर्स्ट पोस्ट के गणेश अलगावे ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग देते हुए लिखा है कि क्रैक एक्शन और रंट में उच्च है, लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा लेता है।
तो बॉलीवुड हंगामा के समीक्षक ने 5 में से 2 स्टार की रेटिंग देते हुए लिखा है कि इसके एक्शन दृश्यों की अवधारणा और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना की गई है। इसे पिंक विला के रिसिल जोगनी ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग देते हुए लिखा है कि भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफल फिल्म होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में समाप्त होती है। न्यूज 18 के सुनील देधिया ने लिखा है कि 5 में से 1 स्टार दिया है और लिखा है विद्युत जमावल और अर्जुन रामपाल का एक्शन इंटरटेनर स्क्विड गेम का एक सस्ता और मुक्तापूर्ण संस्करण है। रेडवी के मयूर शनप ने 5 में से 1 स्टार दिया और लिखा है कि बिना किसी मुक्तिदायक गुण के क्रैक बिल्कुल बकवास है। NDTV के सैवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग देते हुए लिखा है कि राय दी कि क्रैक भयानक अभिनय, भटकावपूर्ण और संपादन, एक स्पष्ट पृष्ठभूमि स्कोर और अंतर्जित ध्वनि डिजाइन से प्रभावित है। तो हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका राहुल कुकरेजा ने लिखा है कि क्रैक न केवल सभी एलेड्राइन दीवानों को क्रैक का आनंद लेने के लिए बुला रहा है, बल्कि वो उस विशेष वर्ग को पूरा करना चाहता है जो इन चरम खेलों और एक्शन के प्रति रुचि रखते हैं। तो फिल्म कंपेनियन के राहुल देसाई ने क्रैक अनावश्यक रूप से जटिल, लंबा और आत्म जोड़फोड़ करने वाला है। क्रैक फिल्म में अर्जुन रामपाल जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। उनके द्वारा निभाए गए रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो अर्जुन रामपाल जी एक भारतीय अभिनेता और मॉडल और फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने राजीव राय की रोमांस फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत 2001 से अपने अभिनय की शुरुआत की और अब तक 40 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें राक आन में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने दीवानापन 2001, दिल है तुम्हारा 2002 और दिल का रिश्ता 2003, वादा 2005 और ICU 2006, एक्शन फिल्में असंभव 2004 और DD सहित रोमांस फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है। 2013 में थ्रिलर यकीन 2005 और राय 2015, सामाजिक राजनीतिक चक्रव्यूह 2012, क्राइम ड्रामा इनकार 2013 और बायोपिक डैडी 2017 और वश 2002 में अर्जुन रामपाल के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हुआ था जब उन्हें आंखें कॉस्ट की, जो उनकी पहली व्यावसायिक सफलता साबित हुई थी। उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में डान 2006, ओम शांति ओम 2007, हाउसफुल 2010, राजनीतिक 2010, रावण 2011, कहानी 2 दुर्गा रानी सिंह 2016 और नेल पॉलिश 2021 शामिल है। तो अर्जुन रामपाल अपने बैनर जेचिंग गणेशा फिल्म के तहत ICU 2006 के साथ एक फिल्म निर्माता बन गए हैं और बायोपिक डैडी 2017 का निर्माण किया है, जिसके लिए उन्होंने पटक कथा का सह लेखन भी किया है। प्रारंभिक जीवन के बारे में आइए जानते हैं अर्जुन रामपाल जी के। तो अर्जुन रामपाल जी का जन्म 26 नवंबर 1972 को जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत में एक सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था। उनके नाना ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह ने आज़ादी के बाद भारतीय सेना के लिए पहली तोपखाना डिजाइन किया था। उनके पिता एक ब्राह्मण हैं, जबकि उनकी माँ कुछ हद तक सिख और कुछ हद तक डच हैं। वो एक बहुसांस्कृतिक माहौल में पले बढ़े जहाँ परिवार क्रिसमस, दिवाली और ईद मनाते हैं। अपनी माता पिता के अलग होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रह रहे सेंट पैट्रिक स्कूल देवलाली नासिक में पढ़ाई की, जहाँ उनकी माँ एक शिक्षिका थी। इसके बाद उन्होंने कोडाइनिकल इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला लिया था और बाद में उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली के सम्मान के साथ अर्थशास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की थी और बाद में उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली से सम्मान के साथ अर्थशास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की है और वो आगे चलकर एक मॉडल बन गए हैं। एक्ट्रेस किम शर्मा अर्जुन रामपाल की चचेरी बहन हैं। तो आइए जानते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2001 से और 5 में प्रारंभ
मुख्य भूमिकाएं अदा की हैं, जिसमें अर्जुन रामपाल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत राजीव राय की फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत 2001 में सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदाशनी और कीर्ति रेड्डी के साथ की है, जिसमें अर्जुन रामपाल ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्होंने आलोचकों की प्रशंसाएँ अर्जित की है। इंडियाज FM के तरण आदर्श ने लिखा है कि प्यार इश्क और मोहब्बत अर्जुन रामपाल के लिए अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक शोकेस है। इसमें लड़का आकर्षक दिखता है और पूरी ईमानदारी के साथ भाव व्यक्त करता है। उसने भावात्मक क्षणों को परफेक्टता के साथ संभाला है, जो बहुत कम है, और पहली बार आया खिलाड़ी एक आत्मविश्वास से भरी शुरुआत थी। इसने अर्जुन रामपाल को भारतीय फिल्म उद्योग में एक अग्रणी अभिनेता के रूप में स्थापित किया था और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन स्टार स्क्रीन और आईफा समारोहों में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवोदित पुरस्कार श्रेणी में पुरस्कारों की अदला बदली कर ली। उनकी अगली रिलीज आंसू चित्रा की दीवानापन थी, जिसमें रामपाल की जोड़ी दिया मिर्जा के साथ थी। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इंडिया FM के तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल अपने व्यापक कंधों पर फिल्म चलाती है और एक ईमानदार प्रदर्शन के साथ आते हैं, जो पूरे समय एक समान रहती है। वो एक्शन दृश्यों में अद्भुत है और सकारात्मक से लेकर भावात्मक क्षणों में उचित प्रस्तुति देकर सुखद आश्चर्य पैदा करती है। तो अभ्यक्तियाँ रेडफी के आशीष मंत्रा ने अर्जुन रामपाल पर नकारात्मक समीक्षाएं देते हुए लिखा है कि अभिनेताओं में नायक के रूप में अर्जुन रामपाल बहुत कुछ वही करते हैं जिसके लिए वो जानते हैं। वो मॉडलिंग करते हैं, उनकी अभिनय क्षमताएं वंचित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती हैं। और वर्ष 2024 की आखिरी रिलीज अशोक मेहता की मूंछ थी। ये वास्तव में उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन प्यार इश्क और मोहब्बत के बाद रिलीज हुई थी। मोच में मुख्य भूमिका में अर्जुन रामपाल के साथ प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अर्जुन रामपाल की लगातार तीसरी फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन अर्जुन रामपाल ने आलोचकों की प्रशंसाएँ अर्जित की। इंडिया FM के तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल ने ऐसी भूमिका में उत्कृष्टता हासिल की है जिसने निभाना मुश्किल था। ये वो कलाकार हैं जो बड़े कदम उठाते हैं और साबित करते हैं कि वो एक अद्भुत रेंज वाले अभिनेता हैं। रेडफी की प्रियंका भट्टाचार्य ने फिल्म को एक कहानी से अधिक अर्जुन रामपाल के लिए 70 मिमी का पोर्टफोलियो माना है। सन 2002 में अर्जुन रामपाल की पहली रिलीज विपुल अमृत लाल शाह की आंखें थी, जिसमें अर्जुन रामपाल ने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सुष्मिता सेन, परेश रावल और आदित्य पांचोली जैसे कलाकारों के साथ अभिनय किया है। उन्होंने एक अंधे व्यक्ति का किरदार निभाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर रही और सन 2002 में की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। उनकी अगली रिलीज रेखा प्रीति जिंटा, महिमा चौधरी और सिमी जे, जिसमें जिमी शेरगिल के साथ कुंदन शाह की दिल है तुम्हारा थी। फिल्म फ्लॉप रही और सन 2003 में अर्जुन रामपाल ने नरेश मल्होत्रा की फिल्म दिल का रिश्ता में ऐश्वर्या राय के साथ मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें अर्जुन रामपाल ने अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसाएं अर्जित की है। redfi.com की रुंजिता कुलकर्णी ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल ने अपनी लकड़ी की छवि को तोड़ दिया और एक अच्छा प्रदर्शन किया है। वो भावात्मक दृश्यों में सूक्ष्म और अस्वस्थ हैं। वो निश्चित रूप से प्यार इश्क और मोहब्बत से आगे बढ़ गए हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस संग्रह के आधार पर इसे वर्ष की ही 30वीं फिल्म का दर्जा दिया गया है। अर्जुन रामपाल की अगली मुख्य भूमिका खालिद मोहम्मद की तहजीब में उर्मिला मातोंडकर के साथ थी, जो आलोचकों की प्रशंसाएँ अर्जित की। तरण आदर्श ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उनका चरित्र जिस सहज रवैये को दर्शाता है, वह उद्यम में एक निश्चित चमक लाता है। सन 2004 में अर्जुन रामपाल ने अपनी पहली एक्शन थ्रिलर असंभव में दूसरी बार राजीव राय के साथ सहयोग किया था। अर्जुन रामपाल ने प्रियंका चोपड़ा के साथ अभिनय किया और एक भारतीय कमांडो कैप्टन आदित्य राय की भूमिका निभाई है। फिल्म की पूरी शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई थी। सन 2023 जुलाई को रिलीज हुई असंभव
अर्जुन रामपाल की इस साल की एकमात्र रिलीज थी, जिसे प्लेनेट बॉलीवुड के खालिद शाह ने साल की एकमात्र रिलीज थी जिसे बिल्कुल फिट बैठाया है। सन 2005 में अर्जुन रामपाल की पहली रिलीज सतीश कौशिक की वादा थी, जिसमें उन्होंने अमीषा पटेल और जायद खान के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म प्राप्त रही रेडपी के पटसीन एन ने अर्जुन रामपाल की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अर्जुन रामपाल ने अच्छा काम किया है, उनका प्रदर्शन थोड़ा धीमा था और मॉडल से अभिनेता बने अधिकांश दृश्यों में बहुत अच्छे लगते हैं। अर्जुन रामपाल की अगली रिलीज विक्रम भट्ट की मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म ऐलान थी। फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही और बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। ऐलान में अपने अभिनय के लिए अर्जुन रामपाल को आलोचकों की प्रशंसाएं मिली और INNS के सुभाष के झा ने अर्जुन रामपाल की प्रशंसा की और लिखा है कि अर्जुन रामपाल काफ़ी हद तक अपने दम पर एक बार फिर जिम्मेदारियों वाले व्यक्ति की भूमिका निभाए रहे हैं और अपनी स्क्रीन बेटी के साथ अपने दोनों दृश्यों और मनोरंजक मौत के दृश्यों में एक नियंत्रित दृढ़ विश्वास लाते हैं। redpi.com के मोरिज डीनिज ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल एक मजबूत पुलिसकर्मी हैं जो पूर्व के थे और लगभग विश्वसनीय हैं। उनके पास गहरी मध्यम आवाज़ और शारीरिक भाषा है, जिसमें अर्जुन रामपाल की इस साल की तीसरी रिलीज मिस्ट्री थ्रिलर यकीन थी, जिसमें अर्जुन रामपाल को दूसरी बार प्रियंका चोपड़ा के साथ मुख्य भूमिका में जोड़ा गया था। उन्होंने अपने भावात्मक अभिनय में सुधार के लिए प्रशंसाएं मिली और तरुण आदर्श ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जटिल भूमिका में ढले अर्जुन रामपाल ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अगर ये भूमिका किसी घटिया अभिनेता को सौंपी गई होती तो ये भूमिका अपना असर खो देती, लेकिन अर्जुन रामपाल ने इसमें पूरी जान लगा दी है और ट्रंप बनकर उभरते हैं। अभिनेता भावनाओं के सभी पहलुओं को आत्मविश्वास के रूप में चित्रित करते हैं और एक त्रुटिहीन प्रदर्शन करते हैं। वह उनके प्रदर्शनों में से दृश्य प्रभावों को वास्तव में कुशल बनाए रखें। जब उसे पहली छमाही में अपनी पत्नी की निष्ठा का संदेह होने लगा, फ्लावर सीक्वेंस पर मध्यांतर बिंदु पर अर्जुन की सीमा को प्रदर्शित करता है कि अभिनेता हैं या नहीं, तो अर्जुन रामपाल की इस वर्ष की आखिरी रिलीज अपूर्व लाखिया की अमिताभ हरिवंश राय बच्चन और फिरजा जोरावियन के साथ एक अजनबी थी। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल को उनकी पहली नकारात्मक भूमिका शेखर वर्मा के रूप में दिखाई दी थी, जो एक बच्चे का अंगरक्षक है, लेकिन वास्तव में वो एक भ्रष्ट व्यक्ति है। सुभाष के झा ने अर्जुन रामपाल के प्रदर्शन की प्रशंसा की है और लिखा है कि कहानी में कुछ अच्छे सहायक प्रदर्शन है, जो विशेष रूप से अर्जुन रामपाल को अपने बार मालिक पूर्व सेना के आदमी की भूमिका में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ना केवल अर्जुन रामपाल की दिखाई दे रहे हैं सही से और उसे सही लग रहे हैं। सन 2006 में उनकी पहली रिलीज बाबी देओल और अमीषा पटेल के साथ प्रेम त्रिकोण पर आधारित हमको तुमसे प्यार है थी। ये फिल्म देरी से रिलीज हुई थी और स्वयं हिट्स के सत्यजीत ने कहा है कि अर्जुन रामपाल भी अनावश्यक कर रहे हैं और यह वो प्रदर्शन है जिसमें अर्जुन रामपाल मीडिया के आश्चर्यजनक रहे हैं और उनके प्रदर्शन में ये भी दिखाई दे रहा है कि मीडिया ने भले ही कुछ लड़की का अभिनेता करार दिया गया हो, लेकिन उन्होंने भावात्मक दृश्यों में बहुत अच्छा सुधार बताया है। और तरुण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन शुरुआती हिस्सों में कुछ जगहों पर अजीब हैं, लेकिन बाद में लय में आ जाते हैं। दूसरे भाग में भावात्मक दृश्य स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनकी अगली उपस्थिति मल्टी स्टार एंथोलॉजी डरना जारी ही था, जिसमें अर्जुन रामपाल ने प्रवेश रावल द्वारा निर्देशित कहानी और स्पोर्ट डू काम में बिपाशा बसु और मकरंद देशपांडे के साथ अभिनय किया है, जिसमें तमाम सितारों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। सन 1978 में फिल्म डॉन की रीमेक
द वेज विंग्स अगेन में अर्जुन रामपाल ने अपने प्रदर्शन की सहायक भूमिका को दोहराया है। मूल डान में यह है। सन 2007 में अर्जुन रामपाल ने ओम शांति ओम में शाहरुख खान और पहली बार दीपिका पादुकोण के साथ एक प्रतिपक्षी की भूमिका में अभिनय किया है। ये फिल्म भारत और विदेशी बाजार में साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी है। 1.48 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ उस समय तक भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। ये अर्जुन रामपाल के कैरियर की सबसे बड़ी हिट थी और उनकी खलनायक भूमिका के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसाएं मिली थी। redbee.com की सुकन्या वर्मा ने अर्जुन रामपाल के व्यक्तित्व इतनी गर्मजोशी के साथ भरा हुआ है कि उसे एक ठंडे खून वाले विरोधी के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ओम शांति ओम में खलनायक अभिनय के लिए अर्जुन रामपाल ने नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जी सिने पुरस्कार जीता और आईफा स्टार स्क्रीन और अप्सरा समारोहों में नामांकन प्राप्त किया है। तो ओम शांति ओम की सफलता के बाद अर्जुन रामपाल एक सफल अभिनेता के रूप में उभरने लगे थे। सन 2008 में अर्जुन रामपाल ने रॉक ऑन में प्रदर्शन किया और जोसेफ जो मैस्क रेनहाउस के रूप में एक बैंड का प्रमुख गिटार वादक एक गरीब आदर्शवादी जिसने कभी नहीं सीखा कि रिमेक्स की दुनिया में संगीत की तुलना में आत्म प्रचार अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी भूमिका की तैयारी के लिए अर्जुन रामपाल ने गिरगिट सीखा और गिटार बजाना भी सीखा था और उनके प्रदर्शन को व्यापक रूप से सराहा गया है। उन्हें 56वें राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कारों में सबसे सहायक अभिनेता का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और 54वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार, 10वां आईफा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का आईफा पुरस्कार और स्क्रीन अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता इससे अर्जुन रामपाल को व्यापक सफलताएं और प्रशंसाएं मिली हैं। टाइम ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध आलोचक निखत काजमी ने अर्जुन रामपाल के प्रदर्शन की प्रशंसा की और लिखा है कि सन 2009 में अर्जुन रामपाल की एकमात्र रिलीज दीपक तिजोरी की फॉक्स थी, जिसमें उन्होंने सनी देओल, सागरिका घाटगे की और उदिता गोस्वामी के साथ अभिनय किया था। फिल्म को मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन अर्जुन रामपाल ने आलोचकों की प्रशंसाएं अर्जित की और तरण आदर्श ने अर्जुन रामपाल के अभिनय को बेहतरीन बताते हुए उनकी सराहना की है। लगातार तीन हिट फिल्मों के साथ सन 2010 में अर्जुन रामपाल के करियर का सबसे सफल वर्ष बन गया है। पहली बार साजिद खान की कॉमेडी फिल्म हाउसफुल थी, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिकाएँ निभाई थी। फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएँ मिली, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। इसमें अर्जुन रामपाल की अगली रिलीज प्रकाश झा की मल्टी स्टार राजनीति थी। फिल्म में पृथ्वी की सहायक भूमिका के लिए अर्जुन रामपाल को आलोचकों की प्रशंसाएं मिली, जिसमें तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल एक रहस्योद्घाटन और उसने क्या शानदार प्रदर्शन किया है। वो एक अदम्य शेर की तरह हैं। उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। उन्होंने आईफा अप्सरा जी सिने श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। वर्ष की उनकी आखिरी रिलीज सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर की वी आर फैमिली थी, जिसमें उन्होंने काजोल और करीना कपूर के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। ये औसत कमाई वाली फिल्म थी और अर्जुन रामपाल की पहली सफल फिल्म थी जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल लगातार आश्चर्यचकित कर रहे हैं। फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इतने करोड़ की कमाई, क्रैक मचाएगी तबाही। आप सभी लोग क्रैक्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पहले ही दिन ऑफिस पर कलेक्शन पहले दिन का नीचे देख सकते हैं। तो क्रैक फिल्म सिनेमाघर में यदि आप देखने जा रहे हैं तो आपको इस फिल्म की टिकट 99 रुपये में आप आसानी से एक फिल्म को देख सकते हैं। इसमें इस फिल्म की कमाई में काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्सों के मुताबिक इस फिल्म की पहले दिन टिकट 50,000 से अधिक बिक चुकी है और इस फिल्म के एडवांस बुकिंग अभी जारी है। ये फिल्म का बजट 60 करोड़ है और आने वाले समय में क्रैक फिल्म 60 से 90 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। क्रैक फिल्म की बॉक्स ऑफिस के पहले दिन सैनलिक के अनुसार 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अभी यहां आंकड़ा अनुमानित आप लोगों के सामने पेश किया गया है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी आना बाकी है। क्रैक अगर हिट होती है तो ये डबल कमाई कर सकती है। बॉक्स ऑफिस में इन दिनों क्रैक का क्रेज जारी है और लोग इस फिल्म में अपनी रुचि भी दिखा रहे हैं।
ऐसे में ये कहना सही होगा कि फिल्म आने वाले समय में तबाही मचाएगी। क्रैक फिल्म में अलग अलग किरदार देखने को मिलेंगे, जैसे विद्युत जमावल के साथ नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल और एमी जैक्सन मुख्य किरदार में नजर आएंगे। वहीं साथ साथ इस फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है। इस फिल्म में विद्युत जमावल और अर्जुन रामपाल पर्दे पर एक साथ एक दूसरे के सामने पहली बार दिखेंगे। ट्रेलर को देखने के बाद दोनों के एक्शन को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। तो क्रैक फिल्म में जहां एक तरफ टिकट की कीमत 200 से 250 रुपये रहती है, वहीं इस फिल्म का टिकट केवल 99 रुपये है और बॉक्स ऑफिस में पहले दिन इस फिल्म का आंकड़ा करोड़ के पार जाने वाला है। वहीं देशों में 750 से अधिक स्क्रीन रिलीज की गई है और दुनिया भर में 3750 स्क्रीन रिलीज हुई हैं। केवल भारत में 2000 स्क्रीन पर रिलीज की गई है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारा ये आर्टिकल जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको क्रैक फिल्म ट्रेलर एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म में विद्युत जमावल का मुकाबला अर्जुन रामपाल से है, आदित्य धर द्वारा निर्देशित एमी जैक्सन और नोरा फतेही भी इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आएंगी। एक्शन थ्रिलर क्रैक जीतेगा तो जीतेगा वही जिएगा के निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है। विद्युत जमावल ने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर वीडियो के साथ प्रशंसकों का मनोरंजन किया है। फिल्म में विद्युत जमावल और अर्जुन रामपाल को एक्शन मोड में दिखाया गया है। आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी हैं। फिल्म के अभिनेता विद्युत ने कहा है कि क्रैक के साथ मेरा दृष्टिकोण भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ी स्पोर्ट एक्शन थ्रिलर पेश करेगा और मैं उस असाधारण टीम का आभारी रहूंगा जिसमें इस सपने को हकीकत में बदल दिया है। हमने जो एड्रेनलाइन से भरपूर दृश्य तमाशा तैयार किया है उसका उद्देश्य दर्शकों को मोहित करना है जिससे वह उत्सुकता से और अधिक की उम्मीद कर सकें। तो आदित्य दत्त ने कहा है कि क्रैक विद्युत के साथ मेरी दूसरी विशेषता है और इस बार मेरे साथ अर्जुन भी शामिल हैं। जब आपके पास अर्जुन रामपाल और विद्युत जमावल हैं जो वास्तविक जीवन और फिल्मों दोनों में मर्दांगिनी का प्रतीक हैं तो एक अद्भुत एक्शन काम्बो है। फिल्म निर्माता हैं तो क्रैक जीतेगा तो जिएगा 30 फरवरी को सिनेमाई घरों में रिलीज होने के लिए है तैयार। फिल्म का निर्देशन करने वाले आदित्य दत्त को आशिक बनाया आपने 2005 और टेबल नंबर 21 2013 जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्म का आधिकारिक विवरण कहता है, क्रैक मुंबई की मलिन बस्तियों को चरम भूमिगत खेलों की दुनिया तक एक आदमी की यात्रा है। तो ये फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत और एक्शन हीरो फिल्म्स और पीजेड पिक्चर्स निर्मित है। विद्युत जमावल, पराग सांघवी और एक्शन हीरो फिल्म्स एंड टीम द्वारा निर्मित है। आदि शर्मा और आदित्य चौकसी द्वारा सह निर्मित की गई यह फिल्म है। विद्युत जमावल और नोरा फतेही स्टारर फिल्म क्रैक रिलीज हो गई है। फिल्म सिनेमाई घरों में दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही है और फैंस इस पर अपना भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। क्रैक यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 के साथ थिएटर्स में रिलीज हुई है। इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी परफॉर्मेंस दे रही। रिपोर्ट्स फिल्म क्रैक 23 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। सनक्लिक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन फिल्म ने 4.25 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी। वहीं दूसरे दिन भी फिल्म दमदार कमाई कर रही है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक ने शनिवार को अब तक 2.75 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसी के साथ दो दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर क्रैक का कुल कलेक्शन 7 करोड़ रुपये हो गया है। क्रैक यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 के साथ पर्दे पर आई है। क्लैश के बाद भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। हालांकि कमाई के मामले में आर्टिकल 370 विद्युत जमावल की फिल्म से आगे चल रही है। जहां क्रैक के दो दिनों का कुल कलेक्शन 7 करोड़ रुपये है तो वहीं आर्टिकल 370 का कुल कलेक्शन 13.4 करोड़ रुपये है। तो क्रैक स्टार कास्ट प्रोडक्शन और स्टोरी के तहत क्रैक एक एक्शन स्पोर्ट फिल्म है जिसका बजट 45 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म को एक्शन हीरो फिल्म से प्रोड्यूस किया है और आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में विद्युत जमावल का एक्शन अवतार लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
क्रैक में नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल और एमी जैक्सन भी अहम रोल में नजर आ रही हैं। तो फिल्म मुंबई की मलिन बस्तियों से खेलों की दुनिया तक पहुंचने वाले एक आदमी की जर्ना को दिखाती है। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जमावल की क्रैक 2023 फरवरी को सिनेमाई घरों में रिलीज हुई है। इसमें एक बार फिर एक्टर ने अपने एक्शन अवतार से फैंस को चौंकाया है। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी। वहीं यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 के साथ क्लैश के बावजूद क्रैक शानदार कलेक्शन कर रही है। जानिए तीसरे दिन विद्युत जमावल की फिल्म ने कितने करोड़ का किया है कलेक्शन। तो विद्युत जमावल की क्रैक की ऑडियो और वीडियो ऑडियंस को काफ़ी क्रिटिक्स में मूवी को मिक्स व्यू मिल रहे हैं। हालांकि ओपनिंग डे पर फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। विद्युत जमावल की क्रैक ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 4.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे दिन यानी कि शनिवार को क्रैक की 2.15 करोड़ की कमाई हुई थी। अब तीसरे दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। साइक्लिंक की रिपोर्ट के मुताबिक विद्युत जमावल की क्रैक ने तीसरे दिन यानी रविवार को 2.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। हालांकि ये अर्ली एस्टीमेट है और ऑफिशियल डेटा आने के बाद कमाई के आंकड़े में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। इस तरह विद्युत जमावल की दिनों में भारत में 8.80 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। और क्रैक एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है जिसमें विद्युत जमावल के अलावा नोरा फतेही और एमी जैक्सन में अहम भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल विलेन के रूप में नजर आएंगे। इसका निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है। फिल्म के सीन में अर्जुन और विद्युत शॉर्टलेस होकर फाइट करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं वाकई में शानदार हैं क्रैक की विद्युत जमावल ने अपने प्रोडक्ट। तो दोस्तों, क्रैक को क्रैक के नाम से भी जाना जाता है। जो जीतेगा तो जिएगा। सन 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है जिसे आदित्य दत्त द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है। एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जमावल, इसमें विद्युत जमावल, अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन, इसे भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म माना जा रहा है। क्रैक 2023 में फरवरी 2024 में रिलीज हुई फरवरी 2024 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई थी। तो मुंबई की जुग्गी झोपड़ी में रहने वाला सिद्धू अपने खोए हुए भाई निहाल के बारे में सच्चाई जानने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत अस्तित्व खेल प्रतियोगिता मैदान में शामिल होता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है। तो उनके बारे में, तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में विद्युत जमावल हैं और देव के रूप में अर्जुन रामपाल हैं, आलिया के रूप में नोरा फतेही हैं और प्रेटिसा नोवाक के रूप में एमी जैक्सन हैं। राजेंद्र सिसलकर सिद्धू के पिता के रूप में हैं। सलका पवार सिद्धू की मां के रूप में हैं। अंकिता मोहन निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई के रूप में अपने रोल को प्ले कर रही हैं। मार्क के रूप में विजय आनंद देव के दत्तक पिता और मैदान के संस्थापक के रूप में हैं। जुनैदा के रूप में जेमी लीवर हैं। जैक के रूप में माइकल ओबशू हैं। बलून मैन के रूप में कैलाश पाल हैं। पूजा सावंत रोम रोम गाने में विशेष भूमिका में थी। रुक्मणी मैत्रा गीत रोम रोम में विशेष उपस्थिति के रूप में हैं। रोम रोम गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में एमसी स्क्वायर हैं। तो अपने प्रोडक्शन वैनन एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जमावल इस फिल्म में आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं, जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है। शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हुई थी। तो जैकलीन फर्नांडीज तो विद्युत जमावल के साथ जोड़ी बनाने वाली थी, लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही ने ले ली है। तो फिल्म का संगीत तनिष्क बख्शी, एमसी स्क्वायर और विक्रम मंटूज और मिथुन ने तैयार किया है, जबकि गीत गुरप्रीत सैनी, तनिष्क बख्शी, शेखर अस्तित्व और पैराडॉक्स मिथुन, अभिनव शेखर और विक्रम मंटूज ने लिखे हैं। तो इस फिल्म में पहला गाना जिसका शीर्षक दिल झूम
था और जिसे पाकिस्तानी गायक अली जफर ने 2011 एल्बम झूम के शीर्षक गीत का रीमेक थी। तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 दिल झूम, इसे गुरप्रीत सैनी, तनिष बख्शी, विशाल मिश्रा, श्रेया घोषाल जी ने गाया है। नंबर 3 गाना नंबर 2 रोम रोम, इसे MC Square और MC Square तनिष बख्शी ने इसे गाया है। नंबर 3 जीना हराम, इसे तनिष बख्शी, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव जी ने गाया है। नंबर 4 क्रैक टाइटल ट्रैक, इसे शेखर अस्तित्व और विरोधाभास और विक्रम मंटोच और विरोधाभास जी ने इसे गाया है। नंबर 5 ख्याल रखना, इसे मनोज मुतंसिर मिथुन ने गाया है। नंबर 6 खेल, इसे अभिनव शेखर, विक्रम मंटोज, अभिनव शेखर और विक्रम मंटोज ने इसे गाया है। तो क्रैक 23 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। तो क्रैक को इसके एक्शन दृश्यों और अवधारणा और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के साथ आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट और रन टाइम क्रिएटर वेबसाइट पर रॉटन टोमेटोज पर 17 आलोचकों में से 14% की समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4 रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा है कि क्रैक जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर फेस करता है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया में एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि ये पूर्व अनुमानित ट्रॉप्स पर निर्भर है और कुछ हद तक कमज़ोर कहानी आपको और अधिक चाहने वालों पर मजबूर कर सकती है। तो फर्स्ट पोस्ट के गणेश अलगावे ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग देते हुए लिखा है कि क्रैक एक्शन और रंट में उच्च है, लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। तो बॉलीवुड हंगामा के समीक्षक ने 5 में से 2 स्टार की रेटिंग देते हुए लिखा है कि इसके एक्शन दृश्यों की अवधारणा और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना की गई है। इसे पिंक विला के रिसिल जोगनी ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग देते हुए लिखा है कि भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफल फिल्म होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में समाप्त होती है। न्यूज 18 के सुनील देधिया ने लिखा है कि 5 में से 1 स्टार दिया है और लिखा है विद्युत जमावल और अर्जुन रामपाल का एक्शन इंटरटेनर स्क्विड गेम का एक सस्ता और मुक्तापूर्ण संस्करण है। रेडवी के मयूर शनप ने 5 में से 1 स्टार दिया और लिखा है कि बिना किसी मुक्तिदायक गुण के क्रैक बिल्कुल बकवास है। NDTV के सैवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग देते हुए लिखा है कि राय दी की क्रैक भयानक अभिनव, भटकावपूर्ण और संपादन, एक स्पष्ट पृष्ठभूमि स्कोर और अंतर्जित ध्वनि डिजाइन से प्रभावित है। तो हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका राहुल कुकरेजा ने लिखा है कि क्रैक न केवल सभी एलेड्राइन दीवानों को क्रैक का आनंद लेने के लिए बुला रहा है, बल्कि वो उस विशेष वर्ग को पूरा करना चाहता है जो इन चरम खेलों और एक्शन के प्रति रुचि रखते हैं। तो फिल्म कंपेनियन के राहुल देसाई ने क्रैक अनावश्यक रूप से जटिल, लंबा और आत्म जोड़ फोड़ करने वाला है। क्रैक फिल्म में अर्जुन रामपाल जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। उनके द्वारा निभाए गए रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो अर्जुन रामपाल जी एक भारतीय अभिनेता और मॉडल और फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने राजीव राय की रोमांस फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत 2001 से अपने अभिनय की शुरुआत की और अब तक 40 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें राक आन में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने दीवानापन 2001, दिल है तुम्हारा 2002 और दिल का रिश्ता 2003, वादा 2005 और ICU 2006, एक्शन फिल्में असंभव 2004 और DD सहित रोमांस फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है। 2013 में थ्रिलर यकीन 2005 और राय 2015, सामाजिक राजनीतिक चक्रव्यूह 2012,
क्राइम ड्रामा इनकार 2013 और बायोपिक डैडी 2017 और वश 2002 में अर्जुन रामपाल के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हुआ था, जब उन्हें आंखें कॉस्ट की, जो उनकी पहली व्यावसायिक सफलता साबित हुई थी। उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में डान 2006, ओम शांति ओम 2007, हाउसफुल 2010, राजनीतिक 2010, रावण 2011, कहानी टू दुर्गा रानी सिंह 2016 और नेल पॉलिश 2021 शामिल है। तो अर्जुन रामपाल अपने बैनर जेचिंग गणेशा फिल्म के तहत ICU 2006 के साथ एक फिल्म निर्माता बन गए हैं और बायोपिक डैडी 2017 का निर्माण किया है, जिसके लिए उन्होंने पटक कथा का सह लेखन भी किया है। प्रारंभिक जीवन के बारे में आइए जानते हैं अर्जुन रामपाल जी के। तो अर्जुन रामपाल जी का जन्म 26 नवंबर 1972 को जबलपुर मध्य प्रदेश भारत में एक सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था। उनके नाना ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह ने आज़ादी के बाद भारतीय सेना के लिए पहली तोपखाना डिजाइन किया था। उनके पिता एक ब्राह्मण हैं, जबकि उनकी माँ कुछ हद तक सिख और कुछ हद तक डच हैं। वो एक बहुसांस्कृतिक माहौल में पले बढ़े, जहाँ परिवार क्रिसमस, दिवाली और ईद मनाते हैं। अपनी माता पिता के अलग होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रह रहे सेंट पैट्रिक स्कूल देवलाली नासिक में पढ़ाई की, जहाँ उनकी माँ एक शिक्षिका थी। इसके बाद उन्होंने कोडाइनिकल इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला लिया था और बाद में उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली के सम्मान के साथ अर्थशास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की थी और बाद में उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली से सम्मान के साथ अर्थशास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की है और वो आगे चलकर एक मॉडल बन गए हैं। एक्ट्रेस किम शर्मा अर्जुन रामपाल की चचेरी बहन हैं। तो आइए जानते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2001 से और 5 में प्रारंभ मुख्य भूमिकाएं अदा की हैं, जिसमें अर्जुन रामपाल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत राजीव राय की फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत 2001 में सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदाशनी और कीर्ति रेड्डी के साथ की है, जिसमें अर्जुन रामपाल ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्होंने आलोचकों की प्रशंसाएँ अर्जित की है। इंडियाज FM के तरण आदर्श ने लिखा है कि प्यार इश्क और मोहब्बत अर्जुन रामपाल के लिए अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक शोकेस है। इसमें लड़का आकर्षक दिखता है और पूरी ईमानदारी के साथ भाव व्यक्त करता है। उसने भावात्मक क्षणों को परिपक्वता के साथ क्षम जो बहुत कम है और पहली बार आया खिलाड़ी एक आत्मविश्वास से भरी शुरुआत थी। इसने अर्जुन रामपाल को भारतीय फिल्म उद्योग में एक अग्रणी अभिनेता के रूप में स्थापित किया था और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन स्टार स्क्रीन और आईफा समारोहों में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवोदित पुरस्कार श्रेणी में पुरस्कारों की अदला बदली कर ली। उनकी अगली रिलीज आंसू चित्रा की दीवानापन थी, जिसमें रामपाल की जोड़ी दिया मिर्जा के साथ थी। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसाएँ मिली हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इंडिया FM के तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल अपने व्यापक कंधों पर फिल्म चलाती है और एक ईमानदार प्रदर्शन के साथ आते हैं, जो पूरे समय एक समान रहती है। वो एक्शन दृश्यों में अद्भुत है और सकारात्मक से लेकर भावात्मक क्षणों में उचित प्रस्तुति देकर सुखद आश्चर्य पैदा करती है। तो अभ्यक्तियाँ रेडफी के आशीष मंत्रा ने अर्जुन रामपाल पर नकारात्मक समीक्षाएं देते हुए लिखा है कि अभिनेताओं में नायक के रूप में अर्जुन रामपाल बहुत कुछ वही करते हैं जिसके लिए वो जानते हैं। वो मॉडलिंग करते हैं, उनकी अभिनय क्षमताएं वंचित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती हैं। और वर्ष 2024 की आखिरी रिलीज अशोक मेहता की मूछ थी, ये वास्तव में उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन प्यार इश्क और मोहब्बत के बाद रिलीज हुई थी। मूछ में मुख्य भूमिका में अर्जुन रामपाल के साथ प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अर्जुन रामपाल की लगातार तीसरी फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन अर्जुन रामपाल ने आलोचकों की प्रशंसाएँ अर्जित की। इंडिया FM के तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल ने ऐसी भूमिका में उत्कृष्टता हासिल की है जिसने निभाना मुश्किल था। यह वो कलाकार हैं जो बड़े कदम उठाते हैं और साबित करते हैं कि वो एक अद्भुत रेंज वाले अभिनेता हैं।
रेडफी की प्रियंका भट्टाचार्य ने फिल्म को एक कहानी से अधिक अर्जुन रामपाल के लिए 70 मिमी का पोर्टफोलियो माना है। सन 2002 में अर्जुन रामपाल की पहली रिलीज विपुल अमृत लाल शाह की आंखें थी, जिसमें अर्जुन रामपाल ने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सुष्मिता सेन, परेश रावल और आदित्य पांचोली जैसे कलाकारों के साथ अभिनय किया है। उन्होंने एक अंधे व्यक्ति का किरदार निभाया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर रही और सन 2002 में की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। उनकी अगली रिलीज रेखा प्रीति जिंटा, महिमा चौधरी और सिमी जे, जिसमें जिमी शेरगिल के साथ कुंदन शाह की दिल है तुम्हारा थी। फिल्म फ्लॉप रही और सन 2003 में अर्जुन रामपाल ने नरेश मल्होत्रा की फिल्म दिल का रिश्ता में ऐश्वर्या राय के साथ मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें अर्जुन रामपाल ने अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसाएं अर्जित की है। redfi.com की रुंजिता कुलकर्णी ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल ने अपनी कड़ी अपनी लकड़ी की छवि को तोड़ दिया और एक अच्छा प्रदर्शन किया है। वो भावात्मक दृश्यों में सूक्ष्म और अस्वस्थ हैं। वो निश्चित रूप से प्यार, इश्क और मोहब्बत से आगे बढ़ गए हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस संग्रह के आधार पर इसे वर्ष की ही 30वीं फिल्म का दर्जा दिया गया है। अर्जुन रामपाल की अगली मुख्य भूमिका खालिद मोहम्मद की तहजीब में उर्मिला मातोंडकर के साथ थी, जो आलोचकों की प्रशंसाएँ अर्जित की। तरण आदर्श ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उनका चरित्र जिस सहज रवैये को दर्शाता है वह उद्यम में एक निश्चित चमक लाता है। सन 2004 में अर्जुन रामपाल ने अपनी पहली एक्शन थ्रिलर असंभव में दूसरी बार राजीव राय के साथ सहयोग किया था। अर्जुन रामपाल ने प्रियंका चोपड़ा के साथ अभिनय किया और एक भारतीय कमांडो कैप्टन आदित्य राय की भूमिका निभाई है। फिल्म की पूरी शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई थी। सन 2023 जुलाई को रिलीज हुई असंभव अर्जुन रामपाल की साल की एकमात्र रिलीज थी, जिसे प्लेनेट बॉलीवुड के खालिद शाह ने साल की एकमात्र रिलीज थी जिसे बिल्कुल फिट बैठाया है। सन 2005 में अर्जुन रामपाल की पहली रिलीज सतीश कौशिक की वादा थी, जिसमें उन्होंने अमीषा पटेल और जायद खान के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म प्राप्त रही रेडफी के पट सीन एन ने अर्जुन रामपाल की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अर्जुन रामपाल ने अच्छा काम किया है। उनका प्रदर्शन थोड़ा धीमा था और मॉडल से अभिनेता बने अधिकांश दृश्यों में बहुत अच्छे लगते हैं। अर्जुन रामपाल की अगली रिलीज विक्रम भट्ट की मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म ऐलान थी। फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही और बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। ऐलान में अपने अभिनय के लिए अर्जुन रामपाल को आलोचकों की प्रशंसाएं मिली और INNS के सुभाष के झा ने अर्जुन रामपाल की प्रशंसा की और लिखा है कि अर्जुन रामपाल काफ़ी हद तक अपने दम पर एक बार फिर जिम्मेदारियों वाले व्यक्ति की भूमिका निभाए रहे हैं और अपनी स्क्रीन बेटी के साथ अपने दोनों दृश्यों और मनोरंजक मौत के दृश्यों में एक नियंत्रित दृढ़ विश्वास लाते हैं। redfi.com के मोरिज डीनिज ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल एक मजबूत पुलिसकर्मी हैं जो पूर्व के थे और लगभग विश्वसनीय हैं। उनके पास गहरी मध्यम आवाज़ और शारीरिक भाषा है, जिसमें अर्जुन रामपाल की इस साल की तीसरी रिलीज मिस्ट्री थ्रिलर यकीन थी, जिसमें अर्जुन रामपाल को दूसरी बार प्रियंका चोपड़ा के साथ मुख्य भूमिका में जोड़ा गया था। उन्होंने अपने भावात्मक अभिनय में सुधार के लिए प्रशंसाएं मिली और तरण आदर्श ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जटिल भूमिका में ढले अर्जुन रामपाल ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अगर ये भूमिका किसी घटिया अभिनेता को सौंपी गई होती तो ये भूमिका अपना असर खो देती, लेकिन अर्जुन रामपाल ने इसमें पूरी जान लगा दी है और ट्रंप बनकर उभरते हैं। अभिनेता भावनाओं के सभी पहलुओं को आत्मविश्वास के रूप में चित्रित करते हैं और एक त्रुटिहीन प्रदर्शन करते हैं। वह उनके प्रदर्शनों में से दृश्य प्रभावों को वास्तव में कुशल बनाए रखें। जब उसे पहली छमाही में अपनी पत्नी की निष्ठा का संदेह होने लगा, फ्लावर सीक्वेंस पर मध्यांतर बिंदु पर अर्जुन की सीमा को प्रदर्शित करता है कि अभिनेता हैं या नहीं,
तो अर्जुन रामपाल की इस वर्ष की आखिरी रिलीज अपूर्व लाखिया की अमिताभ हरिवंश राय बच्चन और मिर्जा जोरावियन के साथ एक अजनबी थी। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल को उनकी पहली नकारात्मक भूमिका शेखर वर्मा के रूप में दिखाई दी थी, जो एक बच्चे का अंगरक्षक है लेकिन वास्तव में वो एक भ्रष्ट व्यक्ति है। सुभाष के झा ने अर्जुन रामपाल के प्रदर्शन की प्रशंसा की है और लिखा है कि कहानी में कुछ अच्छे सहायक प्रदर्शन है जो विशेष रूप से अर्जुन रामपाल को अपने बार मालिक पूर्व सेना के आदमी की भूमिका में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ना केवल अर्जुन रामपाल की दिखाई दे रहे हैं सही से और उसे सही लग रहे हैं। सन 2006 में उनकी पहली रिलीज बाबी देओल और अमीषा पटेल के साथ प्रेम त्रिकोण पर आधारित हमको तुमसे प्यार है थी। ये फिल्म देरी से रिलीज हुई थी और स्वयं हिट्स के सत्यजीत ने कहा है कि अर्जुन रामपाल भी अनावश्यक कर रहे हैं और यह वो प्रदर्शन है जिसमें अर्जुन रामपाल मीडिया के आश्चर्यजनक रहे हैं और उनके प्रदर्शन में ये भी दिखाई दे रहा है कि मीडिया ने भले ही कुछ लड़की का अभिनेता करार दिया गया हो लेकिन उन्होंने भावात्मक दृश्यों में बहुत अच्छा सुधार बताया है। और तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन शुरुआती हिस्सों में कुछ जगहों पर अजीब हैं लेकिन बाद में लय में आ जाते हैं। दूसरे भाग में भावात्मक दृश्य स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनकी अगली उपस्थिति मल्टी स्टार एंथोलॉजी डरना जारी ही था, जिसमें अर्जुन रामपाल ने प्रवेश रावल द्वारा निर्देशित कहानी और स्पोर्ट डू काम में बिपाशा बसु और मकरंद देशपांडे के साथ अभिनय किया है, जिसमें तमाम सितारों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। सन 1978 में फिल्म डॉन की रीमेक द वेज विंग्स अगेन में अर्जुन रामपाल ने अपने प्रदर्शन की सहायक भूमिका को दोहराया है। मूल डॉन में यह है। सन 2007 में अर्जुन रामपाल ने ओम शांति ओम में शाहरुख खान और पहली बार दीपिका पादुकोण के साथ एक प्रतिपक्षी की भूमिका में अभिनय किया है। ये फिल्म भारत और विदेशी बाजार में साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी है। 1.48 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ उस समय तक भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। ये अर्जुन रामपाल के कैरियर की सबसे बड़ी हिट थी और उनकी खलनायक भूमिका के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसाएं मिली थी। Redbee.com की सुकन्या वर्मा ने अर्जुन रामपाल के व्यक्तित्व इतनी गर्मजोशी के साथ भरा हुआ है कि उसे एक ठंडे खून वाले विरोधी के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ओम शांति ओम में खलनायक अभिनय के लिए अर्जुन रामपाल ने नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जी सिने पुरस्कार जीता और आईफा स्टार स्क्रीन और अप्सरा समारोह में नामांकन प्राप्त किया है। तो ओम शांति ओम की सफलता के बाद अर्जुन रामपाल एक सफल अभिनेता के रूप में उभरने लगे थे। सन 2008 में अर्जुन रामपाल ने रॉक ऑन में प्रदर्शन किया और जोसेफ जो मैस्क रेनहाउस के रूप में एक बैंड का प्रमुख गिटार वादक, एक गरीब आदर्शवादी जिसने कभी नहीं सीखा कि रिमेक्स की दुनिया में संगीत की तुलना में आत्म प्रचार अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी भूमिका की तैयारी के लिए अर्जुन रामपाल ने गिरगिट सीखा और गिटार बजाना भी सीखा था और उनके प्रदर्शन को व्यापक रूप से सराहा गया है। उन्हें 56वें राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कारों में सबसे सहायक अभिनेता का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और 54वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार, 10वां आईफा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का आईफा पुरस्कार और स्क्रीन अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता इससे अर्जुन रामपाल को व्यापक सफलताएं और प्रशंसाएं मिली हैं। टाइम ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध आलोचक निखत काजमी ने अर्जुन रामपाल के प्रदर्शन की प्रशंसा की और लिखा है कि सन 2009 में अर्जुन रामपाल की एकमात्र रिलीज दीपक तिजोरी की फॉक्स थी, जिसमें उन्होंने सनी देओल, सागरिका घाटगे की और उदिता गोस्वामी के साथ अभिनय किया था।
फिल्म को मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन अर्जुन रामपाल ने आलोचकों की प्रशंसाएं अर्जित की और तरण आदर्श ने अर्जुन रामपाल के अभिनय को बेहतरीन बताते हुए उनकी सराहना की है। लगातार 3 हिट फिल्मों के साथ सन 2010 में अर्जुन रामपाल के करियर का सबसे सफल वर्ष बन गया है। पहली बार साजिद खान की कॉमेडी फिल्म हाउसफुल थी, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। इसमें अर्जुन रामपाल की अगली रिलीज प्रकाश झा की मल्टी स्टार राजनीति थी। फिल्म में पृथ्वी की सहायक भूमिका के लिए अर्जुन रामपाल को आलोचकों की प्रशंसाएं मिली, जिसमें तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल एक रहस्योद्घाटन और उसने क्या शानदार प्रदर्शन किया है, वो एक अदम्य शेर की तरह हैं। उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। उन्होंने आईफा अप्सरा जिसने श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। वर्ष की उनकी आखिरी रिलीज सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर की वी आर फैमिली थी, जिसमें उन्होंने काजोल और करीना कपूर के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। ये औसत कमाई वाली फिल्म थी और अर्जुन रामपाल की पहली सफल फिल्म थी जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल लगातार आश्चर्यचकित कर रहे हैं। पहले ही दिन ऑफिस पर कलेक्शन पहले दिन का नीचे देख सकते हैं। तो क्रैक फिल्म सिनेमाघर में यदि आप देखने जा रहे हैं तो आपको इस फिल्म की टिकट 99 रुपये में आप आसानी से एक फिल्म को देख सकते हैं। इसमें इस फिल्म की कमाई में काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्सों के मुताबिक इस फिल्म की पहले दिन टिकट 50,000 से अधिक बिक चुकी है और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग अभी जारी है। यह फिल्म का बजट 60 करोड़ है और आने वाले समय में क्रैक फिल्म 60 से 90 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। क्रैक फिल्म की बॉक्स ऑफिस के पहले दिन सैनिक के अनुसार 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अभी यहां आंकड़ा अनुमानित आप लोगों के सामने पेश किया गया है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी आना बाकी है। क्रैक अगर हिट होती है तो ये डबल कमाई कर सकती है। बॉक्स ऑफिस में इन दिनों क्रैक का क्रेज जारी है और लोग इस फिल्म में अपनी रुचि भी दिखा रहे हैं। ऐसे में ये कहना सही होगा कि फिल्म आने वाले समय में तबाही मचाएगी। क्रैक फिल्म में अलग अलग किरदार देखने को मिलेंगे, जैसे विद्युत जमावल के साथ नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल और एमी जैक्सन मुख्य किरदार में नजर आएंगे। वहीं साथ साथ इस फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है। इस फिल्म में विद्युत जमावल और अर्जुन रामपाल पर्दे पर एक साथ एक दूसरे के सामने पहली बार दिखेंगे। ट्रेलर को देखने के बाद दोनों के एक्शन को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। तो क्रैक फिल्म में जहां एक तरफ टिकट की कीमत 200 से 250 रुपये रहती है, वहीं इस फिल्म का टिकट केवल 99 रुपये है और बॉक्स ऑफिस में पहले दिन इस फिल्म का आंकड़ा करोड़ के पार जाने वाला है। वहीं देशों में 750 से अधिक स्क्रीन रिलीज की गई है और दुनिया भर में 3750 स्क्रीन रिलीज हुई हैं। केवल भारत में 2000 स्क्रीन पर रिलीज की गई है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारा ये आर्टिकल जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको क्रैक फिल्म ट्रेलर एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म में विद्युत जमावल का मुकाबला अर्जुन रामपाल से है, आदित्य धर द्वारा निर्देशित एमी जैक्सन और नोरा फतेही भी इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आएंगी, एक्शन थ्रिलर क्रैक जीतेगा तो जीतेगा वही जिएगा के निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है। विद्युत जमावल ने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर वीडियो के साथ प्रशंसकों का मनोरंजन किया है। फिल्म में विद्युत जमावल और अर्जुन रामपाल को एक्शन मोड में दिखाया गया है। आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी हैं। फिल्म के अभिनेता विद्युत ने कहा है कि क्रैक के साथ मेरा दृष्टिकोण भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ी स्पोर्ट एक्शन थ्रिलर पेश करेगा और मैं उस असाधारण टीम का आभारी रहूंगा जिसमें इस सपने को हकीकत में बदल दिया है। हमने जो एल्ड्रे लाइन से भरपूर दृश्य तमाशा तैयार किया है उसका उद्देश्य दर्शकों को मोहित करना है, जिससे वह उत्सुकता से और अधिक की उम्मीद कर सकें। तो आदित्य दत्त ने कहा है कि क्रैक विद्युत के साथ मेरी दूसरी विशेषता है और इस बार मेरे साथ अर्जुन भी शामिल हैं। जब आपके पास अर्जुन रामपाल और विद्युत जमावल हैं जो वास्तविक जीवन और फिल्मों दोनों में मर्दांगिनी का प्रतीक हैं तो एक अद्भुत एक्शन काम्बो है। फिल्म निर्माता हैं तो क्रैक जीतेगा
तो जिएगा 30 फरवरी को सिनेमाई घरों में रिलीज होने के लिए है तैयार। फिल्म का निर्देशन करने वाले आदित्य दत्त को आशिक बनाया आपने 2005 और टेबल नंबर 21 2013 जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्म का आधिकारिक विवरण कहता है, क्रैक मुंबई की मलिन बस्तियों को चरम भूमिगत खेलों की दुनिया तक एक आदमी की यात्रा है। तो ये फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत और एक्शन हीरो फिल्म्स और पीजेड पिक्चर्स निर्मित है। विद्युत जमावल, पराग सांघवी और एक्शन हीरो फिल्म्स एंड टीम द्वारा निर्मित है। आदि शर्मा और आदित्य चौकसी द्वारा सह निर्मित की गई यह फिल्म है। विद्युत जमावल और नोरा फतेही स्टारर फिल्म क्रैक रिलीज हो गई है। फिल्म सिनेमाई घरों में दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही है और फैंस इस पर अपना भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। क्रैक यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 के साथ थिएटर्स में रिलीज हुई है। इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी परफॉर्मेंस दे रही। रिपोर्ट्स फिल्म क्रैक 23 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। सनक्लिक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन फिल्म ने 4.25 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी। वहीं दूसरे दिन भी फिल्म दमदार कमाई कर रही है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक ने शनिवार को अब तक 2.75 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसी के साथ दो दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर क्रैक का कुल कलेक्शन 7 करोड़ रुपये हो गया है। क्रैक यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 के साथ पर्दे पर आई है। क्लैश के बाद भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। हालांकि कमाई के मामले में आर्टिकल 370 विद्युत जमावल की फिल्म से आगे चल रही है। जहां क्रैक के दो दिनों का कुल कलेक्शन 7 करोड़ रुपये है, तो वहीं आर्टिकल 370 का कुल कलेक्शन 13.4 करोड़ रुपये है। तो क्रैक स्टार कास्ट, प्रोडक्शन और स्टोरी के तहत क्रैक एक एक्शन स्पोर्ट फिल्म है जिसका बजट 45 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म को एक्शन हीरो फिल्म से प्रोड्यूस किया है और आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में विद्युत जमावल का एक्शन अवतार लोगों को खूब पसंद आ रहा है। क्रैक में नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल और एमी जैक्सन भी अहम रोल में नजर आ रही हैं। तो फिल्म मुंबई की मलिन बस्तियों से खेलों की दुनिया तक पहुंचने वाले एक आदमी की जर्ना को दिखाती है। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जमावल की क्रैक 2023 फरवरी को सिनेमाई घरों में रिलीज हुई है। इसमें एक बार फिर एक्टर ने अपने एक्शन अवतार से फैंस को चौंकाया है। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी। वहीं यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 के साथ क्लैश के बावजूद क्रैक शानदार कलेक्शन कर रही है। जानिए तीसरे दिन विद्युत जमावल की फिल्म ने कितने करोड़ का किया है कलेक्शन। तो विद्युत जमावल की क्रैक को ऑडियो और वीडियो ऑडियंस को काफ़ी क्रिटिक्स में मूवी को मिक्स व्यू मिल रहे हैं। हालांकि ओपनिंग डे पर फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। विद्युत जमावल की क्रैक ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 4.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे दिन यानी कि शनिवार को क्रैक की 2.15 करोड़ की कमाई हुई थी। अब तीसरे दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। साइक्लिंक की रिपोर्ट के मुताबिक विद्युत जमावल की क्रैक ने तीसरे दिन यानी रविवार को 2.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। हालांकि ये अर्ली एस्टीमेट है और ऑफिशियल डेटा आने के बाद कमाई के आंकड़े में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। इस तरह विद्युत जमावल की दिनों में भारत में 8.80 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। और क्रैक एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है जिसमें विद्युत जमावल के अलावा नोरा फतेही और एमी जैक्सन में अहम भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल विलेन के रूप में नजर आएंगे। इसका निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है। फिल्म के सीन में अर्जुन और विद्युत शॉर्टलेस होकर फाइट करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं वाकई में शानदार हैं क्रैक की विद्युत जमावल ने अपने। तो दोस्तों, क्रैक को क्रैक के नाम से भी जाना जाता है। जो जीतेगा तो जिएगा सन 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है जिसे आदित्य दत्त द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है। एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जमावल, इसमें विद्युत जमावल, अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन
इसे भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म माना जा रहा है। क्रैक 2023 में फरवरी 2024 में रिलीज हुई। क्रैक 23 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई थी। तो मुंबई की जुग्गी झोपड़ी में रहने वाला सिद्धू अपने खोए हुए भाई निहाल के बारे में सच्चाई जानने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत अस्तित्व खेल प्रतियोगिता मैदान में शामिल होता है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है। तो उनके बारे में, तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में विद्युत जमावल हैं और देव के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। आलिया के रूप में नोरा फतेही हैं और प्रेटिसा नोवाक के रूप में एमी जैक्सन हैं। राजेंद्र सिसलकर सिद्धू के पिता के रूप में हैं। सलका पवार सिद्धू की माँ के रूप में हैं। अंकिता मोहन निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई के रूप में अपने रोल को प्ले कर रही हैं। मार्क के रूप में विजय आनंद देव के दत्तक पिता और मैदान के संस्थापक के रूप में हैं। जुनैदा के रूप में जेमी लीवर हैं। जैक के रूप में माइकल ओबशु हैं। बलून मैन के रूप में कैलाश पाल हैं। पूजा सावंत रोम रोम गाने में विशेष भूमिका में थी। रुक्मणी मैत्रा गीत रोम रोम में विशेष उपस्थिति के रूप में हैं। रोम रोम गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में एमसी स्क्वायर हैं। तो अपने प्रोडक्शन वैनन एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जमावल इस फिल्म में आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं, जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है। शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हुई थी। तो जैकलीन फर्नांडीज तो विद्युत जमावल के साथ जोड़ी बनाने वाली थी, लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही ने ले ली है। तो फिल्म का संगीत तनिष बख्शी एमसी स्क्वायर और विक्रम मंटूज और मिथुन ने तैयार किया है, जबकि गीत गुरप्रीत सैनी तनिष बख्शी शेखर अस्तित्व और पैराडॉक्स मिथुन अभिनव शेखर और विक्रम मंटूज ने लिखे हैं। तो इस फिल्म में पहला गाना जिसका शीर्षक दिल झूम था और जिसे पाकिस्तानी गायक अली जफर ने 2011 एल्बम झूम के शीर्षक गीत का रीमेक थी। तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 दिल झूम, इसे गुरप्रीत सैनी तनिष बख्शी विशाल मिश्रा श्रेया घोषाल जी ने गाया है। नंबर 3 गाना नंबर 2 रोम रोम, इसे एमसी स्क्वायर और एमसी स्क्वायर तनिष बख्शी ने इसे गाया है। नंबर 3 जीना हराम, इसे तनिष बख्शी विशाल मिश्रा और शिल्पा राव जी ने गाया है। नंबर 4 क्रैक टाइटल ट्रैक, इसे शेखर अस्तित्व और विरोधाभास और विक्रम मंटोच और विरोधाभास जी ने इसे गाया है। नंबर 5 ख्याल रखना, इसे मनोज मुतंसिर मिथुन ने गाया है। नंबर 6 खेल, इसे अभिनव शेखर विक्रम मंटोज अभिनव शेखर और विक्रम मंटोज ने इसे गाया है। तो क्रैक 23 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। तो क्रैक को इसके एक्शन दृश्यों और अवधारणा और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के साथ आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट और रन टाइम क्रिएटर वेबसाइट पर रॉटन टोमेटोज पर 17 आलोचकों में से 14% की समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4 रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा है कि क्रैक जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर पेश करता है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया में एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि ये पूर्व अनुमानित ट्रॉप्स पर निर्भर है और कुछ हद तक कमज़ोर कहानी आपको और अधिक चाहने वालों पर मजबूर कर सकती है। तो फर्स्ट पोस्ट के गणेश अलगावे ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग देते हुए लिखा है कि क्रैक एक्शन और रंट में उच्च है, लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। तो बॉलीवुड हंगामे के समीक्षक ने 5 में से 2 स्टार की रेटिंग देते हुए लिखा है कि इसके एक्शन दृश्यों की अवधारणा और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना की गई है। इसे पिंक विला के रिसिल जोगनी ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग देते हुए लिखा है कि भारत में फिल्मों में एक्शन
के मामले में एक सफल फिल्म होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में समाप्त होती है। न्यूज 18 के सुनील देधिया ने लिखा है कि 5 में से 1 स्टार दिया है और लिखा है, विद्युत जमावल और अर्जुन रामपाल का एक्शन इंटरटेनर स्क्विड गेम का एक सस्ता और मुक्तापूर्ण संस्करण है। रेडवी के मयूर शनप ने 5 में से 1 स्टार दिया है और लिखा है कि बिना किसी मुक्तिदायक गुण के क्रैक बिल्कुल बकवास है। NDTV के सैवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग देते हुए लिखा है कि राय दी कि क्रैक भयानक अभिनय, भटकावपूर्ण और संपादन, एक स्पष्ट पृष्ठभूमि स्कोर और अंतर्जित ध्वनि डिजाइन से प्रभावित है। तो हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका राहुल कुकरेजा ने लिखा है कि क्रैक न केवल सभी एलेड्राइन दीवानों को क्रैक का आनंद लेने के लिए बुला रहा है, बल्कि वो उस विशेष वर्ग को पूरा करना चाहता है जो इन चरम खेलों और एक्शन के प्रति रुचि रखते हैं। तो फिल्म कंपेनियन के राहुल देसाई ने क्रैक अनावश्यक रूप से जटिल, लंबा और आत्म जोड़ फोड़ करने वाला है। क्रैक फिल्म में अर्जुन रामपाल जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। उनके द्वारा निभाए गए रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो अर्जुन रामपाल जी एक भारतीय अभिनेता और मॉडल और फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने राजीव राय की रोमांस फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत 2001 से अपने अभिनय की शुरुआत की और अब तक 40 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें राक आन में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने दीवानापन 2001, दिल है तुम्हारा 2002 और दिल का रिश्ता 2003, वादा 2005 और ICU 2006, एक्शन फिल्में असंभव 2004 और DD सहित रोमांस फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है। 2013 में थ्रिलर यकीन 2005 और राय 2015, सामाजिक राजनीतिक चक्रव्यूह 2012, क्राइम ड्रामा इनकार 2013 और बायोपिक डैडी 2017 और वर्ष 2002 में अर्जुन रामपाल के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हुआ था जब उन्हें आंखें कॉस्ट की, जो उनकी पहली व्यावसायिक सफलता साबित हुई थी। उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में डान 2006, ओम शांति ओम 2007, हाउसफुल 2010, राजनीतिक 2010, रावण 2011, कहानी 2, दुर्गा रानी सिंह 2016 और नेल पॉलिश 2021 शामिल है। तो अर्जुन रामपाल अपने बैनर जेचिंग गणेशा फिल्म के तहत ICU 2006 के साथ एक फिल्म निर्माता बन गए हैं और बायोपिक डैडी 2017 का निर्माण किया है, जिसके लिए उन्होंने पटक कथा का सह लेखन भी किया है। प्रारंभिक जीवन के बारे में आइए जानते हैं अर्जुन रामपाल जी के। तो अर्जुन रामपाल जी का जन्म 26 नवंबर 1972 को जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत में एक सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था। उनके नाना ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह ने आज़ादी के बाद भारतीय सेना के लिए पहली तोपखाना डिजाइन किया था। उनके पिता एक ब्राह्मण हैं, जबकि उनकी माँ कुछ हद तक सिख और कुछ हद तक डच हैं। वो एक बहुसांस्कृतिक माहौल में पले बढ़े, जहाँ परिवार क्रिसमस, दिवाली और ईद मनाते हैं। अपनी माता पिता के अलग होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रह रहे सेंट पैट्रिक स्कूल देवलाली नासिक में पढ़ाई की, जहाँ उनकी माँ एक शिक्षिका थी। इसके बाद उन्होंने कोडाइनिकल इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला लिया था और बाद में उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली के सम्मान के साथ अर्थशास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की थी और बाद में उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली से सम्मान के साथ अर्थशास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की है और वो आगे चलकर एक मॉडल बन गए हैं। एक्ट्रेस किम शर्मा अर्जुन रामपाल की चचेरी बहन हैं। तो आइए जानते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2001 से और 5 में प्रारंभ मुख्य भूमिकाएं अदा की हैं, जिसमें अर्जुन रामपाल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत राजीव राय की फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत 2001 में सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदाशनी और कीर्ति रेड्डी के साथ की है, जिसमें अर्जुन रामपाल ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्होंने आलोचकों की प्रशंसाएँ अर्जित की है। इंडियाज FM के तरण आदर्श ने लिखा है कि प्यार इश्क और मोहब्बत अर्जुन रामपाल के लिए अपनी प्रतिभा
प्रदर्शित करने का एक शोकेस है। इसमें लड़का आकर्षक दिखता है और पूरी ईमानदारी के साथ भाव व्यक्त करता है। उसने भावात्मक क्षणों को परफेक्टता के साथ संभाला है, जो बहुत कम है। और पहली बार आया खिलाड़ी एक आत्मविश्वास से भरी शुरुआत थी। इसने अर्जुन रामपाल को भारतीय फिल्म उद्योग में एक अग्रणी अभिनेता के रूप में स्थापित किया था और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लेकिन स्टार स्क्रीन और आईफा समारोहों में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवोदित पुरस्कार श्रेणी में पुरस्कारों की अदला बदली कर ली। उनकी अगली रिलीज आंसू चित्रा की दीवानापन थी, जिसमें रामपाल की जोड़ी दिया मिर्जा के साथ थी। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इंडिया FM के तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल अपने व्यापक कंधों पर फिल्म चलाती है और एक ईमानदार प्रदर्शन के साथ आते हैं, जो पूरे समय एक समान रहती है। वो एक्शन दृश्यों में अद्भुत है और सकारात्मक से लेकर भावात्मक क्षणों में उचित प्रस्तुति देकर सुखद आश्चर्य पैदा करती है। तो अभ्यक्तियाँ रेडफी के आशीष मंत्रा ने अर्जुन रामपाल पर नकारात्मक समीक्षाएं देते हुए लिखा है कि अभिनेताओं में नायक के रूप में अर्जुन रामपाल बहुत कुछ वही करते हैं जिसके लिए वो जानते हैं। वो मॉडलिंग करते हैं, उनकी अभिनय क्षमताएं वंचित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती हैं। और वर्ष 2024 की आखिरी रिलीज अशोक मेहता की मोच थी। ये वास्तव में उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन प्यार इश्क और मोहब्बत के बाद रिलीज हुई थी। मोच में मुख्य भूमिका में अर्जुन रामपाल के साथ प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अर्जुन रामपाल की लगातार तीसरी फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन अर्जुन रामपाल ने आलोचकों की प्रशंसाएँ अर्जित की। इंडिया FM के तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल ने ऐसी भूमिका में उत्कृष्टता हासिल की है जिसने निभाना मुश्किल था। ये वो कलाकार हैं जो बड़े कदम उठाते हैं और साबित करते हैं कि वो एक अद्भुत रेंज वाले अभिनेता हैं। रेडफी की प्रियंका भट्टाचार्य ने फिल्म को एक कहानी से अधिक अर्जुन रामपाल के लिए 70 मिमी का पोर्टफोलियो माना है। सन 2002 में अर्जुन रामपाल की पहली रिलीज विपुल अमृतलाल शाह की आंखें थी, जिसमें अर्जुन रामपाल ने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सुष्मिता सेन, परेश रावल और आदित्य पांचोली जैसे कलाकारों के साथ अभिनय किया है। उन्होंने एक अंधे व्यक्ति का किरदार निभाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर रही और सन 2002 में की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। उनकी अगली रिलीज रेखा प्रीति जिंटा, महिमा चौधरी और सिमी जे, जिसमें जिमी शेरगिल के साथ कुंदन शाह की दिल है तुम्हारा थी। फिल्म फ्लॉप रही और सन 2003 में अर्जुन रामपाल ने नरेश मल्होत्रा की फिल्म दिल का रिश्ता में ऐश्वर्या राय के साथ मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें अर्जुन रामपाल ने अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसाएं अर्जित की है। redfi.com की रुंजिता कुलकर्णी ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल ने अपनी लकड़ी की छवि को तोड़ दिया और एक अच्छा प्रदर्शन किया है। वो भावात्मक दृश्यों में सूक्ष्म और अस्वस्थ हैं। वो निश्चित रूप से प्यार इश्क और मोहब्बत से आगे बढ़ गए हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस संग्रह के आधार पर इसे वर्ष की 30वीं फिल्म का दर्जा दिया गया है। अर्जुन रामपाल की अगली मुख्य भूमिका खालिद मोहम्मद की तहजीब में उर्मिला मातोंडकर के साथ थी, जो आलोचकों की प्रशंसाएँ अर्जित की। तरण आदर्श ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उनका चरित्र जिस सहज रवैये को दर्शाता है, वह उद्यम में एक निश्चित चमक लाता है। सन 2004 में अर्जुन रामपाल ने अपनी पहली एक्शन थ्रिलर असंभव में दूसरी बार राजीव राय के साथ सहयोग किया था। अर्जुन रामपाल ने प्रियंका चोपड़ा के साथ अभिनय किया और एक भारतीय कमांडो कैप्टन आदित्य राय की भूमिका निभाई है। फिल्म की पूरी शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई थी। सन 2023 जुलाई को रिलीज हुई असंभव अर्जुन रामपाल की साल की एकमात्र रिलीज थी, जिसे प्लेनेट बॉलीवुड के खालिद शाह ने साल की एकमात्र रिलीज थी जिसे बिल्कुल फिट बैठाया है। सन 2005 में अर्जुन रामपाल की पहली रिलीज सतीश कौशिक की वादा थी, जिसमें उन्होंने अमीषा पटेल और जायद खान के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म फ्लॉप रही। रेडफी के पट सीन एन ने अर्जुन रामपाल की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अर्जुन रामपाल ने अच्छा काम किया है, उनका प्रदर्शन
थोड़ा धीमा था और मॉडल से अभिनेता बने अधिकांश दृश्यों में बहुत अच्छे लगते हैं। अर्जुन रामपाल की अगली रिलीज विक्रम भट्ट की मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म ऐलान थी। फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही और बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। ऐलान में अपने अभिनय के लिए अर्जुन रामपाल को आलोचकों की प्रशंसाएं मिली और INNS के सुभाष के झा ने अर्जुन रामपाल की प्रशंसा की और लिखा है कि अर्जुन रामपाल काफ़ी हद तक अपने दम पर एक बार फिर जिम्मेदारियों वाले व्यक्ति की भूमिका निभाए रहे हैं और अपनी स्क्रीन बेटी के साथ अपने दोनों दृश्यों और मनोरंजक मौत के दृश्यों में एक नियंत्रित दृढ़ विश्वास लाते हैं। redpi.com के मोरिज डीनिज ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल एक मजबूत पुलिसकर्मी हैं जो पूर्व के थे और लगभग विश्वसनीय हैं। उनके पास गहरी मध्यम आवाज़ और शारीरिक भाषा है, जिसमें अर्जुन रामपाल की इस साल की तीसरी रिलीज मिस्ट्री थ्रिलर यकीन थी, जिसमें अर्जुन रामपाल को दूसरी बार प्रियंका चोपड़ा के साथ मुख्य भूमिका में जोड़ा गया था। उन्होंने अपने भावात्मक अभिनय में सुधार के लिए प्रशंसाएं मिली और तरुण आदर्श ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जटिल भूमिका में ढले अर्जुन रामपाल ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अगर ये भूमिका किसी घटिया अभिनेता को सौंपी गई होती तो ये भूमिका अपना असर खो देती, लेकिन अर्जुन रामपाल ने इसमें पूरी जान लगा दी है और ट्रंप बनकर उभरते हैं। अभिनेता भावनाओं के सभी पहलुओं को आत्मविश्वास के रूप में चित्रित करते हैं और एक त्रुटिहीन प्रदर्शन करते हैं। वह उनके प्रदर्शनों में से दृश्य प्रभावों को वास्तव में कुशल बनाए रखें। जब उसे पहली छमाही में अपनी पत्नी की निष्ठा का संदेह होने लगा, फ्लावर सीक्वेंस पर मध्यांतर बिंदु पर अर्जुन की सीमा को प्रदर्शित करता है कि अभिनेता हैं या नहीं, तो अर्जुन रामपाल की इस वर्ष की आखिरी रिलीज अपूर्व लाखिया की अमिताभ हरिवंश राय बच्चन और मिर्जा जोराबियन के साथ एक अजनबी थी। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल को उनकी पहली नकारात्मक भूमिका शेखर वर्मा के रूप में दिखाई दी थी, जो एक बच्चे का अंगरक्षक है, लेकिन वास्तव में वो एक भ्रष्ट व्यक्ति है। सुभाष के झा ने अर्जुन रामपाल के प्रदर्शन की प्रशंसा की है और लिखा है कि कहानी में कुछ अच्छे सहायक प्रदर्शन है जो विशेष रूप से अर्जुन रामपाल को अपने बार मालिक पूर्व सेना के आदमी की भूमिका में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ना केवल अर्जुन रामपाल की दिखाई दे रहे हैं सही से और उसे सही लग रहे हैं। सन 2006 में उनकी पहली रिलीज बाबी देओल और अमीषा पटेल के साथ प्रेम त्रिकोण पर आधारित हमको तुमसे प्यार है थी। ये फिल्म देरी से रिलीज हुई थी और सैम हिट्स के सत्यजीत ने कहा है कि अर्जुन रामपाल भी अनावश्यक कर रहे हैं और यह वो प्रदर्शन है जिसमें अर्जुन रामपाल मीडिया के आश्चर्यजनक रहे हैं और उनके प्रदर्शन में ये भी दिखाई दे रहा है कि मीडिया ने भले ही कुछ लड़की का अभिनेता करार दिया गया हो, लेकिन उन्होंने भावात्मक दृश्यों में बहुत अच्छा सुधार बताया है। और तरुण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन शुरुआती हिस्सों में कुछ जगहों पर अजीब हैं, लेकिन बाद में लय में आ जाते हैं। दूसरे भाग में भावात्मक दृश्य स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनकी अगली उपस्थिति मल्टी स्टार एंथोलॉजी डरना जारी ही था, जिसमें अर्जुन रामपाल ने प्रवेश रावल द्वारा निर्देशित कहानी और स्पोर्ट डू काम में बिपाशा बसु और मकरंद देशपांडे के साथ अभिनय किया है, जिसमें तमाम सितारों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। सन 1978 में फिल्म डॉन की रीमेक द वेज विंग्स अगेन में अर्जुन रामपाल ने अपने प्रदर्शन की सहायक भूमिका को दोहराया है। मूल डॉन में यह सन 2007 में अर्जुन रामपाल ने ओम शांति ओम में शाहरुख खान
और पहली बार दीपिका पादुकोण के साथ एक प्रतिपक्षी की भूमिका में अभिनय किया है। ये फिल्म भारत और विदेशी बाजार में साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी है। 1.48 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ उस समय तक भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। ये अर्जुन रामपाल के कैरियर की सबसे बड़ी हिट थी और उनकी खलनायक भूमिका के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसाएं मिली थी। redbee.com की सुकन्या वर्मा ने अर्जुन रामपाल के व्यक्तित्व इतनी गर्मजोशी के साथ भरा हुआ है कि उसे एक ठंडे खून वाले विरोधी के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ओम शांति ओम में खलनायक अभिनय के लिए अर्जुन रामपाल ने नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जी सिने पुरस्कार जीता और आईफा स्टार स्क्रीन और अप्सरा समारोह में नामांकन प्राप्त किया है। तो ओम शांति ओम की सफलता के बाद अर्जुन रामपाल एक सफल अभिनेता के रूप में उभरने लगे थे। सन 2008 में अर्जुन रामपाल ने रॉक ऑन में प्रदर्शन किया और जो मैस्क रेनहाउस के रूप में एक बैंड का प्रमुख गिटार वादक, एक गरीब आदर्शवादी जिसने कभी नहीं सीखा कि रिमेक्स की दुनिया में संगीत की तुलना में आत्म प्रचार अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी भूमिका की तैयारी के लिए अर्जुन रामपाल ने गिरगिट सीखा और गिटार बजाना भी सीखा था और उनके प्रदर्शन को व्यापक रूप से सराहा गया है। उन्हें 56वें राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कारों में सबसे सहायक अभिनेता का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और 54वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार, 10वां आईफा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का आईफा पुरस्कार और स्क्रीन अवार्ड मिला सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता। इससे अर्जुन रामपाल को व्यापक सफलताएं और प्रशंसाएं मिली हैं। टाइम ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध आलोचक निखत काजमी ने अर्जुन रामपाल के प्रदर्शन की प्रशंसा की और लिखा है कि सन 2009 में अर्जुन रामपाल की एकमात्र रिलीज दीपक तिजोरी की फॉक्स थी, जिसमें उन्होंने सनी देओल, सागरिका घाटगे की और उदिता गोस्वामी के साथ अभिनय किया था। फिल्म को मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन अर्जुन रामपाल ने आलोचकों की प्रशंसाएं अर्जित की और तरण आदर्श ने अर्जुन रामपाल के अभिनय को बेहतरीन बताते हुए उनकी सराहना की है। लगातार तीन हिट फिल्मों के साथ सन 2010 में अर्जुन रामपाल के करियर का सबसे सफल वर्ष बन गया है। पहली बार साजिद खान की कॉमेडी फिल्म हाउसफुल थी, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिकाएँ निभाई थी। फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएँ मिली, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। इसमें अर्जुन रामपाल की अगली रिलीज प्रकाश झा की मल्टी स्टार राजनीति थी। फिल्म में पृथ्वी की सहायक भूमिका के लिए अर्जुन रामपाल को आलोचकों की प्रशंसाएं मिली, जिसमें तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल एक रहस्योद्घाटन और उसने क्या शानदार प्रदर्शन किया है। वो एक अदम्य शेर की तरह हैं। उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। उन्होंने आईफा, अप्सरा, जी सिने श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। वर्ष की उनकी आखिरी रिलीज सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर की वी आर फैमिली थी, जिसमें उन्होंने काजोल और करीना कपूर के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। ये औसत कमाई वाली फिल्म थी और अर्जुन रामपाल की पहली सफल फिल्म थी जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल लगातार आश्चर्यचकित कर रहे हैं। 99 रुपये में आप आसानी से एक फिल्म को देख सकते हैं। इसमें इस फिल्म की कमाई में काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्सों के मुताबिक इस फिल्म की पहले दिन टिकट 50,000 से अधिक बिक चुकी है और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग अभी जारी है। यह फिल्म का बजट 60 करोड़ है और आने वाले समय में क्रैक फिल्म 60 से 90 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है। क्रैक फिल्म की बॉक्स ऑफिस के पहले दिन सैनिक के अनुसार 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अभी यहां आंकड़ा अनुमानित आप लोगों के सामने पेश किया गया है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी आना बाकी है। क्रैक अगर हिट होती है तो ये डबल कमाई कर सकती है। बॉक्स ऑफिस में इन दिनों क्रैक का क्रेज जारी है और लोग इस फिल्म में अपनी रुचि भी दिखा रहे हैं। ऐसे में ये कहना सही होगा कि फिल्म आने वाले समय में तबाही मचाएगी। क्रैक फिल्म में अलग अलग किरदार देखने को मिलेंगे, जैसे विद्युत जमावल के साथ नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल और एमी जैक्सन मुख्य किरदार में नजर आएंगे। वहीं साथ साथ इस फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है। इस फिल्म में विद्युत जमावल और अर्जुन रामपाल पर्दे पर एक साथ एक दूसरे के सामने पहली बार दिखेंगे। ट्रेलर को देखने के बाद दोनों के एक्शन को दर्शकों ने खूब पसंद किया है।
तो क्रैक फिल्म में जहां एक तरफ टिकट की कीमत 200 से 250 रुपये रहती है, वहीं इस फिल्म का टिकट केवल 99 रुपये है और बॉक्स ऑफिस में पहले दिन इस फिल्म का आंकड़ा करोड़ के पार जाने वाला है। वहीं देशों में 750 से अधिक स्क्रीन रिलीज की गई है और दुनिया भर में 3750 स्क्रीन रिलीज हुई हैं, केवल भारत में 2000 स्क्रीन पर रिलीज की गई है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारा ये आर्टिकल जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको क्रैक फिल्म ट्रेलर एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म में विद्युत जमाल का मुकाबला अर्जुन रामपाल से है, आदित्य धर द्वारा निर्देशित एमी जैक्सन और नोरा फतेही भी इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आएंगी, एक्शन थ्रिलर क्रैक जीतेगा तो जीतेगा वही जिएगा के निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है। विद्युत जमावल ने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर वीडियो के साथ प्रशंसकों का मनोरंजन किया है। फिल्म में विद्युत जमावल और अर्जुन रामपाल को एक्शन मोड में दिखाया गया है। आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी हैं। फिल्म के अभिनेता विद्युत ने कहा है कि क्रैक के साथ मेरा दृष्टिकोण भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ी स्पोर्ट एक्शन थ्रिलर पेश करेगा और मैं उस असाधारण टीम का आभारी रहूंगा जिसमें इस सपने को हकीकत में बदल दिया है। हमने जो एड्रेनलाइन से भरपूर दृश्य तमाशा तैयार किया है उसका उद्देश्य दर्शकों को मोहित करना है जिससे वह उत्सुकता से और अधिक की उम्मीद कर सकें। तो आदित्य दत्त ने कहा है कि क्रैक विद्युत के साथ मेरी दूसरी विशेषता है और इस बार मेरे साथ अर्जुन भी शामिल हैं। जब आपके पास अर्जुन रामपाल और विद्युत जमावल हैं जो वास्तविक जीवन और फिल्मों दोनों में मर्दांगिनी का प्रतीक हैं तो एक अद्भुत एक्शन काम्बो है। फिल्म निर्माता हैं तो क्रैक जीतेगा तो जिएगा 30 फरवरी को सिनेमाई घरों में रिलीज होने के लिए है तैयार। फिल्म का निर्देशन करने वाले आदित्य दत्त को आशिक बनाया आपने 2005 और टेबल नंबर 21 2013 जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्म का आधिकारिक विवरण कहता है क्रैक मुंबई की मलिन बस्तियों को चरम भूमिगत खेलों की दुनिया तक एक आदमी की यात्रा है। तो ये फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत और एक्शन हीरो फिल्म्स और पीजेड पिक्चर्स निर्मित है। विद्युत जमावल पराग सांघवी और एक्शन हीरो फिल्म्स एंड टीम द्वारा निर्मित है। आदि शर्मा और आदित्य चौकसी द्वारा सह निर्मित की गई यह फिल्म है। विद्युत जमावल और नोरा फतेही स्टारर फिल्म क्रैक रिलीज हो गई है। फिल्म सिनेमाई घरों में दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही है और फैंस इस पर अपना भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। क्रैक यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 के साथ थिएटर्स में रिलीज हुई है। इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी परफॉर्मेंस दे रही। रिपोर्ट्स फिल्म क्रैक 23 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। सनक्लिक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन फिल्म ने 4.25 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी, वहीं दूसरे दिन भी फिल्म दमदार कमाई कर रही है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक ने शनिवार को अब तक 2.75 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसी के साथ दो दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर क्रैक का कुल कलेक्शन 7 करोड़ रुपये हो गया है। क्रैक यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 के साथ पर्दे पर आई है। क्लैश के बाद भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। हालांकि कमाई के मामले में आर्टिकल 370 विद्युत जमावल की फिल्म से आगे चल रही है। जहां क्रैक के दो दिनों का कुल कलेक्शन 7 करोड़ रुपये है तो वहीं आर्टिकल 370 का कुल कलेक्शन 13.4 करोड़ रुपये है। तो क्रैक स्टार कास्ट प्रोडक्शन और स्टोरी के तहत क्रैक एक एक्शन स्पोर्ट फिल्म है जिसका बजट 45 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म को एक्शन हीरो फिल्म से प्रोड्यूस किया है और आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में विद्युत जमावल का एक्शन अवतार लोगों को खूब पसंद आ रहा है। क्रैक में नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल और एमी जैक्सन भी अहम रोल में नजर आ रही हैं। तो फिल्म मुंबई की मलिन बस्तियों से खेलों की दुनिया तक पहुंचने वाले एक आदमी की जर्ना को दिखाती है। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जमावल की क्रैक 2023 फरवरी को सिनेमाई घरों में रिलीज हुई है। इसमें एक बार फिर एक्टर ने अपने एक्शन अवतार से फैंस को चौंकाया है। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी। वहीं यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 के साथ
क्लेश के बावजूद क्रैक शानदार कलेक्शन कर रही है। जानिए तीसरे दिन विद्युत जमावल की फिल्म ने कितने करोड़ का किया है कलेक्शन। तो विद्युत जमावल की क्रैक को ऑडियो और वीडियो ऑडियंस को काफ़ी क्रिटिक्स में मूवी को मिक्स व्यू मिल रहे हैं। हालांकि ओपनिंग डे पर फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। विद्युत जमावल की क्रैक ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 4.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे दिन यानी कि शनिवार को क्रैक की 2.15 करोड़ की कमाई हुई थी। अब तीसरे दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। साइक्लिंक की रिपोर्ट के मुताबिक विद्युत जमावल की क्रैक ने तीसरे दिन यानी रविवार को 2.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। हालांकि ये अर्ली एस्टीमेट है और ऑफिशियल डेटा आने के बाद कमाई के आंकड़े में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। इस तरह विद्युत जमावल की दिनों में भारत में 8.80 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है। और क्रैक एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है जिसमें विद्युत जमावल के अलावा नोरा फतेही और एमी जैक्सन में अहम भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल विलेन के रूप में नजर आएंगे। इसका निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है। फिल्म के सीन में अर्जुन और विद्युत शॉर्टलेस होकर फाइट करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं वाकई में शानदार हैं क्रैक की विद्युत जमावल ने अपने तो दोस्तों क्रैक को क्रैक के नाम से भी जाना जाता है। जो जीतेगा तो जिएगा। सन 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है जिसे आदित्य दत्त द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है। एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जमावल, इसमें विद्युत जमावल, अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन, इसे भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म माना जा रहा है। क्रैक 2023 में फरवरी 2024 में रिलीज हुई। 23 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई थी। तो मुंबई की जुग्गी झोपड़ी में रहने वाला सिद्धू अपने खोए हुए भाई निहाल के बारे में सच्चाई जानने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत अस्तित्व खेल प्रतियोगिता मैदान में शामिल होता है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है। तो उनके बारे में तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में विद्युत जमावल हैं और देव के रूप में अर्जुन रामपाल हैं, आलिया के रूप में नोरा फतेही हैं और प्रेटिसा नोवाक के रूप में एमी जैक्सन हैं। राजेंद्र सिसलकर सिद्धू के पिता के रूप में हैं। सलका पवार सिद्धू की मां के रूप में हैं। अंकिता मोहन निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई के रूप में अपने रोल को प्ले कर रही हैं। मार्क के रूप में विजय आनंद देव के दत्तक पिता और मैदान के संस्थापक के रूप में हैं। जुनैदा के रूप में जेमी लीवर हैं। जैक के रूप में माइकल ओबशू हैं। बलून मैन के रूप में कैलाश पाल हैं। पूजा सावंत रोम रोम गाने में विशेष भूमिका में थी। रुक्मणी मैत्रा गीत रोम रोम में विशेष उपस्थिति के रूप में हैं। रोम रोम गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में एमसी स्क्वायर हैं। तो अपने प्रोडक्शन वैनन एक्शन हीरो फिल्म के तहत विद्युत जमावल इस फिल्म में आदित्य दत्त के साथ सहयोग कर रहे हैं जो कमांडो 3 के बाद उनका दूसरा उद्यम है। शूटिंग 18 दिसंबर 2023 को पूरी हुई थी। तो जैकलीन फर्नांडीज तो विद्युत जमावल के साथ जोड़ी बनाने वाली थी लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उनकी जगह नोरा फतेही ने ले ली है। तो फिल्म का संगीत तनिष्क बख्शी, एमसी स्क्वायर और विक्रम मंटूज और मिथुन ने तैयार किया है जबकि गीत गुरप्रीत सैनी, तनिष्क बख्शी, शेखर अस्तित्व और पैराडॉक्स मिथुन, अभिनव शेखर और विक्रम मंटूज ने लिखे हैं। तो इस फिल्म में पहला गाना जिसका शीर्षक दिल झूम था और जिसे पाकिस्तानी गायक अली जफर ने 2011 एल्बम झूम के शीर्षक गीत का रीमेक थी। तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 दिल झूम, इसे गुरप्रीत सैनी, तनिष्क बख्शी, विशाल मिश्रा, श्रेया घोषाल जी ने गाया है। नंबर 3 गाना नंबर 2 रोम रोम, इसे
MC Square और MC Square तनिष बख्शी ने इसे गाया है। नंबर 3 जीना हराम, इसे तनिष बख्शी, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव जी ने गाया है। नंबर 4 क्रैक टाइटल ट्रैक, इसे शेखर अस्तित्व और विरोधाभास और विक्रम मंटोच और विरोधाभास जी ने इसे गाया है। नंबर 5 ख्याल रखना, इसे मनोज मुतंसिर मिथुन ने गाया है। नंबर 6 खेल, इसे अभिनव शेखर, विक्रम मंटोज, अभिनव शेखर और विक्रम मंटोज ने इसे गाया है। तो क्रैक 23 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। तो क्रैक को इसके एक्शन दृश्यों और अवधारणा और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के साथ आलोचकों से मिस्री से नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट और रन टाइम क्रिएटर वेबसाइट पर रॉटन टोमेटोज पर 17 आलोचकों में से 14% की समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4 रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा है कि क्रैक जीतेगा तो जिएगा, रोमांचकारी एक्शन के मोर्चे पर फेस करता है जो बड़े पर्दे पर चरम खेलों की दुनिया में एक ताज़ा झलक पेश करता है। हालांकि ये पूर्व अनुमानित ट्रॉप्स पर निर्भर है और कुछ हद तक कमज़ोर कहानी आपको और अधिक चाहने वालों पर मजबूर कर सकती है। तो फर्स्ट पोस्ट के गणेश अलगावे ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग देते हुए लिखा है कि क्रैक एक्शन और रंट में उच्च है, लेकिन रोमांच की कमी है और कई बार आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। तो बॉलीवुड हंगामा के समीक्षक ने 5 में से 2 स्टार की रेटिंग देते हुए लिखा है कि इसके एक्शन दृश्यों की अवधारणा और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट और रन टाइम की आलोचना की गई है। इसे पिंक विला के रिसिल जोगनी ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग देते हुए लिखा है कि भारत में फिल्मों में एक्शन के मामले में एक सफल फिल्म होने के बावजूद क्रैक एक अपूर्णीय फिल्म के रूप में समाप्त होती है। न्यूज 18 के सुनील देधिया ने लिखा है कि 5 में से 1 स्टार दिया है और लिखा है विद्युत जमावल और अर्जुन रामपाल का एक्शन इंटरटेनर स्क्विड गेम का एक सस्ता और मुक्तापूर्ण संस्करण है। रेडवी के मयूर शनप ने 5 में से 1 स्टार दिया और लिखा है कि बिना किसी मुक्तिदायक गुण के क्रैक बिल्कुल बकवास है। NDTV के सैवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग देते हुए लिखा है कि राय दी कि क्रैक भयानक अभिनव, भटकावपूर्ण और संपादन एक स्पष्ट पृष्ठभूमि स्कोर और अंतर्जित ध्वनि डिजाइन से प्रभावित है। तो हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका राहुल कुकरेजा ने लिखा है कि क्रैक न केवल सभी एलेड्राइन दीवानों को क्रैक का आनंद लेने के लिए बुला रहा है, बल्कि वो उस विशेष वर्ग को पूरा करना चाहता है जो इन चरम खेलों और एक्शन के प्रति रुचि रखते हैं। तो फिल्म कंपेनियन के राहुल देसाई ने क्रैक अनावश्यक रूप से जटिल, लंबा और आत्म जोड़ फोड़ करने वाला है। क्रैक फिल्म में अर्जुन रामपाल जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। उनके द्वारा निभाए गए रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो अर्जुन रामपाल जी एक भारतीय अभिनेता और मॉडल और फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने राजीव राय की रोमांस फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत 2001 से अपने अभिनय की शुरुआत की और अब तक 40 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें राक आन में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने दीवानापन 2001, दिल है तुम्हारा 2002 और दिल का रिश्ता 2003, वादा 2005 और ICU 2006, एक्शन फिल्में असंभव 2004 और DD सहित रोमांस फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है। 2013 में थ्रिलर यकीन 2005 और राय 2015, सामाजिक राजनीतिक चक्रव्यूह 2012, क्राइम ड्रामा इनकार 2013 और बायोपिक डैडी 2017 और वश 2002 में अर्जुन रामपाल के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हुआ था जब उन्हें आंखें कॉस्ट की, जो उनकी पहली व्यावसायिक सफलता साबित हुई थी। उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में डान 2006, ओम शांति ओम 2007, हाउसफुल 2010, राजनीतिक 2010,
रावण 2011, कहानी टू दुर्गा रानी सिंह 2016 और नेल पॉलिश 2021 शामिल है। तो अर्जुन रामपाल अपने बैनर जेचिंग गणेशा फिल्म के तहत ICU 2006 के साथ एक फिल्म निर्माता बन गए हैं और बायोपिक डैडी 2017 का निर्माण किया है, जिसके लिए उन्होंने पटक कथा का सह लेखन भी किया है। प्रारंभिक जीवन के बारे में आइए जानते हैं अर्जुन रामपाल जी के। तो अर्जुन रामपाल जी का जन्म 26 नवंबर 1972 को जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत में एक सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था। उनके नाना ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह ने आज़ादी के बाद भारतीय सेना के लिए पहली तोपखाना डिजाइन किया था। उनके पिता एक ब्राह्मण हैं, जबकि उनकी माँ कुछ हद तक सिख और कुछ हद तक डच हैं। वो एक बहुसांस्कृतिक माहौल में पले बढ़े, जहाँ परिवार क्रिसमस, दिवाली और ईद मनाते हैं। अपने माता पिता के अलग होने के बाद वो अपनी माँ के साथ रह रहे सेंट पैट्रिक स्कूल देवलाली नासिक में पढ़ाई की, जहाँ उनकी माँ एक शिक्षिका थी। इसके बाद उन्होंने कोडाइनिकल इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला लिया था और बाद में उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली के सम्मान के साथ अर्थशास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की थी और बाद में उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली से सम्मान के साथ अर्थशास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की है और वो आगे चलकर एक मॉडल बन गए हैं। एक्ट्रेस किम शर्मा अर्जुन रामपाल की चचेरी बहन हैं। तो आइए जानते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2001 से और 5 में प्रारंभ मुख्य भूमिकाएं अदा की हैं, जिसमें अर्जुन रामपाल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत राजीव राय की फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत 2001 में सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदाशनी और कीर्ति रेड्डी के साथ की है, जिसमें अर्जुन रामपाल ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्होंने आलोचकों की प्रशंसाएँ अर्जित की है। इंडियाज FM के तरण आदर्श ने लिखा है कि प्यार इश्क और मोहब्बत अर्जुन रामपाल के लिए अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक शोकेस है। इसमें लड़का आकर्षक दिखता है और पूरी ईमानदारी के साथ भाव व्यक्त करता है। उसने भावात्मक क्षणों को परफेक्टता के साथ संभाला बहुत कम है और पहली बार आया खिलाड़ी एक आत्मविश्वास से भरी शुरुआत थी। इसने अर्जुन रामपाल को भारतीय फिल्म उद्योग में एक अग्रणी अभिनेता के रूप में स्थापित किया था और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन स्टार स्क्रीन और आईफा समारोहों में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवोदित पुरस्कार श्रेणी में पुरस्कारों की अदला बदली कर ली। उनकी अगली रिलीज आंसू चित्रा की दीवानापन थी, जिसमें रामपाल की जोड़ी दिया मिर्जा के साथ थी। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसाएँ मिली हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इंडिया FM के तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल अपने व्यापक कंधों पर फिल्म चलाती है और एक ईमानदार प्रदर्शन के साथ आते हैं जो पूरे समय एक समान रहती है। वो एक्शन दृश्यों में अद्भुत है और सकारात्मक से लेकर भावात्मक क्षणों में उचित प्रस्तुति देकर सुखद आश्चर्य पैदा करती है। तो अभ्यक्तियाँ रेडफी के आशीष मंत्रा ने अर्जुन रामपाल पर नकारात्मक समीक्षाएं देते हुए लिखा है कि अभिनेताओं में नायक के रूप में अर्जुन रामपाल बहुत कुछ वही करते हैं जिसके लिए वो जानते हैं। वो मॉडलिंग करते हैं, उनकी अभिनय क्षमताएं वंचित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती हैं। और वर्ष 2024 की आखिरी रिलीज अशोक मेहता की मूछ थी। ये वास्तव में उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन प्यार इश्क और मोहब्बत के बाद रिलीज हुई थी। मूछ में मुख्य भूमिका में अर्जुन रामपाल के साथ प्रसिद्धि अभिनेत्री मनीषा कोइराला थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अर्जुन रामपाल की लगातार तीसरी फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन अर्जुन रामपाल ने आलोचकों की प्रशंसाएँ अर्जित की। इंडिया FM के तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल ने ऐसी भूमिका में उत्कृष्टता हासिल की है जिसने निभाना मुश्किल था। यह वो कलाकार हैं जो बड़े कदम उठाते हैं और साबित करते हैं कि वो एक अद्भुत रेंज वाले अभिनेता हैं। रेडफी की प्रियंका भट्टाचार्य ने फिल्म को एक कहानी से अधिक अर्जुन रामपाल के लिए 70 मिमी का पोर्टफोलियो माना है। सन 2002 में अर्जुन रामपाल की पहली रिलीज विपुल अमृत लाल शाह की आंखें थी, जिसमें अर्जुन रामपाल ने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सुष्मिता सेन, परेश रावल और आदित्य पांचोली जैसे कलाकारों के साथ अभिनय किया है। उन्होंने एक अंधे व्यक्ति का
किरदार निभाया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर रही और सन 2002 में की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। उनकी अगली रिलीज रेखा प्रीति जिंटा, महिमा चौधरी और सिमी जे जिसमें जिमी शेरगिल के साथ कुंदन शाह की दिल है तुम्हारा थी। फिल्म फ्लॉप रही और सन 2003 में अर्जुन रामपाल ने नरेश मल्होत्रा की फिल्म दिल का रिश्ता में ऐश्वर्या राय के साथ मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें अर्जुन रामपाल ने अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसाएं अर्जित की है। redpi.com की रुंजिता कुलकर्णी ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल ने अपनी अपनी लकड़ी की छवि को तोड़ दिया और एक अच्छा प्रदर्शन किया है। वो भावात्मक दृश्यों में सूक्ष्म और अस्वस्थ हैं। वो निश्चित रूप से प्यार इश्क और मोहब्बत से आगे बढ़ गए हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस संग्रह के आधार पर इसे वर्ष की ही 30वीं फिल्म का दर्जा दिया गया है। अर्जुन रामपाल की अगली मुख्य भूमिका खालिद मोहम्मद की तहजीब में उर्मिला मातोंडकर के साथ थी, जो आलोचकों की प्रशंसाएँ अर्जित की। तरण आदर्श ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उनका चरित्र जिस सहज रवैये को दर्शाता है वह उद्यम में एक निश्चित चमक लाता है। सन 2004 में अर्जुन रामपाल ने अपनी पहली एक्शन थ्रिलर असंभव में दूसरी बार राजीव राय के साथ सहयोग किया था। अर्जुन रामपाल ने प्रियंका चोपड़ा के साथ अभिनय किया और एक भारतीय कमांडो कैप्टन आदित्य राय की भूमिका निभाई है। फिल्म की पूरी शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई थी। सन 2023 जुलाई को रिलीज हुई असंभव अर्जुन रामपाल की साल की एकमात्र रिलीज थी, जिसे प्लेनेट बॉलीवुड के खालिद शाह ने साल की एकमात्र रिलीज थी जिसे बिल्कुल फिट बैठाया है। सन 2005 में अर्जुन रामपाल की पहली रिलीज सतीश कौशिक की वादा थी, जिसमें उन्होंने अमीषा पटेल और जायद खान के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म प्राप्त रही रेडपी के पट सीन एन ने अर्जुन रामपाल की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अर्जुन रामपाल ने अच्छा काम किया है। उनका प्रदर्शन थोड़ा धीमा था और मॉडल से अभिनेता बने अधिकांश दृश्यों में बहुत अच्छे लगते हैं। अर्जुन रामपाल की अगली रिलीज विक्रम भट्ट की मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म ऐलान थी। फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही और बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। ऐलान में अपने अभिनय के लिए अर्जुन रामपाल को आलोचकों की प्रशंसाएं मिली और INNS के सुभाष के झा ने अर्जुन रामपाल की प्रशंसा की और लिखा है कि अर्जुन रामपाल काफ़ी हद तक अपने दम पर एक बार फिर जिम्मेदारियों वाले व्यक्ति की भूमिका निभाए रहे हैं और अपनी स्क्रीन बेटी के साथ अपने दोनों दृश्यों और मनोरंजक मौत के दृश्यों में एक नियंत्रित दृढ़ विश्वास लाते हैं। redpi.com के मोरिज डीनिज ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल एक मजबूत पुलिसकर्मी हैं जो पूर्व के थे और लगभग विश्वसनीय हैं। उनके पास गहरी मध्यम आवाज़ और शारीरिक भाषा है, जिसमें अर्जुन रामपाल की इस साल की तीसरी रिलीज मिस्ट्री थ्रिलर यकीन थी, जिसमें अर्जुन रामपाल को दूसरी बार प्रियंका चोपड़ा के साथ मुख्य भूमिका में जोड़ा गया था। उन्होंने अपने भावात्मक अभिनय में सुधार के लिए प्रशंसाएं मिली और तरण आदर्श ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जटिल भूमिका में ढले अर्जुन रामपाल ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अगर ये भूमिका किसी घटिया अभिनेता को सौंपी गई होती तो ये भूमिका अपना असर खो देती, लेकिन अर्जुन रामपाल ने इसमें पूरी जान लगा दी है और ट्रंप बनकर उभरते हैं। अभिनेता भावनाओं के सभी पहलुओं को आत्मविश्वास के रूप में चित्रित करते हैं और एक त्रुटिहीन प्रदर्शन करते हैं। वह उनके प्रदर्शनों में से दृश्य प्रभावों को वास्तव में कुशल बनाए रखें। जब उसे पहली छमाही में अपनी पत्नी की निष्ठा का संदेह होने लगा, फ्लावर सीक्वेंस पर मध्यांतर बिंदु पर अर्जुन की सीमा को प्रदर्शित करता है कि अभिनेता हैं या नहीं, तो अर्जुन रामपाल की इस वर्ष की आखिरी रिलीज अपूर्व लाखिया की अमिताभ हरिवंश राय बच्चन और फिरजाद जोरावियन के साथ एक अजनबी थी।
इस फिल्म में अर्जुन रामपाल को उनकी पहली नकारात्मक भूमिका शेखर वर्मा के रूप में दिखाई दी थी, जो एक बच्चे का अंगरक्षक है, लेकिन वास्तव में वो एक भ्रष्ट व्यक्ति है। सुभाष के झा ने अर्जुन रामपाल के प्रदर्शन की प्रशंसा की है और लिखा है कि कहानी में कुछ अच्छे सहायक प्रदर्शन है, जो विशेष रूप से अर्जुन रामपाल को अपने बार मालिक पूर्व सेना के आदमी की भूमिका में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ना केवल अर्जुन रामपाल की दिखाई दे रहे हैं सही से और उसे सही लग रहे हैं। सन 2006 में उनकी पहली रिलीज बाबी देओल और अमीषा पटेल के साथ प्रेम त्रिकोण पर आधारित हमको तुमसे प्यार है थी। ये फिल्म देरी से रिलीज हुई थी और स्वयं हिट्स के सत्यजीत ने कहा है कि अर्जुन रामपाल भी अनावश्यक कर रहे हैं और यह वो प्रदर्शन है जिसमें अर्जुन रामपाल मीडिया के आश्चर्यजनक रहे हैं और उनके प्रदर्शन में ये भी दिखाई दे रहा है कि मीडिया ने भले ही कुछ लड़की का अभिनेता करार दिया गया हो, लेकिन उन्होंने भावात्मक दृश्यों में बहुत अच्छा सुधार बताया है। और तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन शुरुआती हिस्सों में कुछ जगहों पर अजीब हैं, लेकिन बाद में लय में आ जाते हैं। दूसरे भाग में भावात्मक दृश्य स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनकी अगली उपस्थिति मल्टी स्टार एंथोलॉजी डरना जारी ही था, जिसमें अर्जुन रामपाल ने प्रवेश रावल द्वारा निर्देशित कहानी और स्पोर्ट डू काम में बिपाशा बसु और मकरंद देशपांडे के साथ अभिनय किया है, जिसमें तमाम सितारों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। सन 1978 में फिल्म डान की रीमेक द वेज विंग्स अगेन में अर्जुन रामपाल ने अपने प्रदर्शन की सहायक भूमिका को दोहराया है। मूल डान में यह सन 2007 में अर्जुन रामपाल ने ओम शांति ओम में शाहरुख खान और पहली बार दीपिका पादुकोण के साथ एक प्रतिपक्षी की भूमिका में अभिनय किया है। ये फिल्म भारत और विदेशी बाजार में साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी है। 1.48 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ उस समय तक भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। ये अर्जुन रामपाल के कैरियर की सबसे बड़ी हिट थी और उनकी खलनायक भूमिका के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसाएं मिली थी। redbee.com की सुकन्या वर्मा ने अर्जुन रामपाल के व्यक्तित्व इतनी गर्मजोशी के साथ भरा हुआ है कि उसे एक ठंडे खून वाले विरोधी के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ओम शांति ओम में खलनायक अभिनय के लिए अर्जुन रामपाल ने नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जी सिने पुरस्कार जीता और आईफा स्टार स्क्रीन और अप्सरा समारोहों में नामांकन प्राप्त किया है। तो ओम शांति ओम की सफलता के बाद अर्जुन रामपाल एक सफल अभिनेता के रूप में उभरने लगे थे। सन 2008 में अर्जुन रामपाल ने रॉक ऑन में प्रदर्शन किया और जोसेफ जो मैस्क रेनहाउस के रूप में एक बैंड का प्रमुख गिटार वादक, एक गरीब आदर्शवादी जिसने कभी नहीं सीखा कि रिमेक्स की दुनिया में संगीत की तुलना में आत्म प्रचार अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी भूमिका की तैयारी के लिए अर्जुन रामपाल ने गिरगिट सीखा और गिटार बजाना भी सीखा था और उनके प्रदर्शन को व्यापक रूप से सराहा गया है। उन्हें 56वें राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कारों में सबसे सहायक अभिनेता का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और 54वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार, 10वां आईफा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का आईफा पुरस्कार और स्क्रीन अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता इससे अर्जुन रामपाल को व्यापक सफलताएं और प्रशंसाएं मिली हैं। टाइम ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध आलोचक निखत काजमी ने अर्जुन रामपाल के प्रदर्शन की प्रशंसा की और लिखा है कि सन 2009 में अर्जुन रामपाल की एकमात्र रिलीज दीपक तिजोरी की फॉक्स थी, जिसमें उन्होंने सनी देओल, सागरिका घाटगे की और उदिता गोस्वामी के साथ अभिनय किया था। फिल्म को मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन अर्जुन रामपाल ने आलोचकों की प्रशंसाएं अर्जित की और तरण आदर्श ने अर्जुन रामपाल के अभिनय को बेहतरीन बताते हुए उनकी सराहना की है। लगातार तीन हिट फिल्मों के साथ सन 2010 में अर्जुन रामपाल के करियर का सबसे सफल वर्ष बन गया है। पहली बार साजिद खान की कॉमेडी फिल्म हाउसफुल थी, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिकाएँ निभाई थी। फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएँ मिली, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी।
जिसमें अर्जुन रामपाल की अगली रिलीज प्रकाश झा की मल्टी स्टार राजनीति थी। फिल्म में पृथ्वी की सहायक भूमिका के लिए अर्जुन रामपाल को आलोचकों की प्रशंसाएं मिली, जिसमें तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल एक रहस्योद्घाटन और उसने क्या शानदार प्रदर्शन किया है, वो एक अदम्य शेर की तरह हैं। उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। उन्होंने आईफा अप्सरा जी सिने श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। वर्ष की उनकी आखिरी रिलीज सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर की वी आर फैमिली थी, जिसमें उन्होंने काजोल और करीना कपूर के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। ये औसत कमाई वाली फिल्म थी और अर्जुन रामपाल की पहली सफल फिल्म थी जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। तरण आदर्श ने लिखा है कि अर्जुन रामपाल लगातार आश्चर्यचकित कर रहे हैं। 99 रुपये में आप आसानी से एक फिल्म को देख सकते हैं। इसमें इस फिल्म की कमाई में काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्सों के मुताबिक इस फिल्म की पहले दिन टिकट 50,000 से अधिक बिक चुकी है और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग अभी जारी है। ये फिल्म का बजट 60 करोड़ है और आने वाले समय में क्रैक फिल्म 60 से 90 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है। क्रैक फिल्म की बॉक्स ऑफिस के पहले दिन सैनिक के अनुसार 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अभी यहां आंकड़ा अनुमानित आप लोगों के सामने पेश किया गया है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी आना बाकी है। क्रैक अगर हिट होती है तो ये डबल कमाई कर सकती है। बॉक्स ऑफिस में इन दिनों क्रैक का क्रेज जारी है और लोग इस फिल्म में अपनी रुचि भी दिखा रहे हैं। ऐसे में ये कहना सही होगा कि फिल्म आने वाले समय में तबाही मचाएगी। क्रैक फिल्म में अलग अलग किरदार देखने को मिलेंगे, जैसे विद्युत जमावल के साथ नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल और एमी जैक्सन मुख्य किरदार में नजर आएंगे। वहीं साथ साथ इस फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है। इस फिल्म में विद्युत जमावल और अर्जुन रामपाल पर्दे पर एक साथ एक दूसरे के सामने पहली बार दिखेंगे। ट्रेलर को देखने के बाद दोनों के एक्शन को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। तो क्रैक फिल्म में जहां एक तरफ टिकट की कीमत 200 से 250 रुपये रहती है, वहीं इस फिल्म का टिकट केवल 99 रुपये है और बॉक्स ऑफिस में पहले दिन इस फिल्म का आंकड़ा करोड़ के पार जाने वाला है। वहीं देशों में 750 से अधिक स्क्रीन रिलीज की गई है और दुनिया भर में 3750 स्क्रीन रिलीज हुई हैं। केवल भारत में 2000 स्क्रीन पर रिलीज की गई है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारा ये आर्टिकल जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको क्रैक फिल्म ट्रेलर एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म में विद्युत जमावल का मुकाबला अर्जुन रामपाल से है, आदित्य धर द्वारा निर्देशित एमी जैक्सन और नोरा फतेही भी इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आएंगी, एक्शन थ्रिलर क्रैक जीतेगा तो जीतेगा वही जिएगा के निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है। विद्युत जमावल ने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर वीडियो के साथ प्रशंसकों का मनोरंजन किया है। फिल्म में विद्युत जमावल और अर्जुन रामपाल को एक्शन मोड में दिखाया गया है। आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी हैं। फिल्म के अभिनेता विद्युत ने कहा है कि क्रैक के साथ मेरा दृष्टिकोण भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ी स्पोर्ट एक्शन थ्रिलर पेश करेगा और मैं उस असाधारण टीम का अभिनेता रहूंगा जिसमें इस सपने को हकीकत में बदल दिया है। हमने जो एड्रेनलाइन से भरपूर दृश्य तमाशा तैयार किया है उसका उद्देश्य दर्शकों को मोहित करना है, जिससे वह उत्सुकता से और अधिक की उम्मीद कर सकें। तो आदित्य दत्त ने कहा है कि क्रैक विद्युत के साथ मेरी दूसरी विशेषता है और इस बार मेरे साथ अर्जुन भी शामिल हैं। जब आपके पास अर्जुन रामपाल और विद्युत जमावल हैं जो वास्तविक जीवन और फिल्मों दोनों में मर्दांगिनी का प्रतीक हैं तो एक अद्भुत एक्शन काम्बो है। फिल्म निर्माता हैं तो क्रैक जीतेगा तो जिएगा 30 फरवरी को सिनेमाई घरों में रिलीज होने के लिए है तैयार। फिल्म का निर्देशन करने वाले आदित्य दत्त को आशिक बनाया आपने 2005 और टेबल नंबर 21 2013 जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्म का आधिकारिक विवरण कहता है, क्रैक मुंबई की मलिन बस्तियों को चरम भूमिगत खेलों की दुनिया तक एक आदमी की यात्रा है। तो ये फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत और एक्शन हीरो फिल्म्स और पीजेड पिक्चर्स निर्मित है। विद्युत जमावल, पराग सांघवी और एक्शन हीरो फिल्म्स एंड टीम द्वारा निर्मित है। आदि शर्मा और आदित्य चौकसी द्वारा सह निर्मित की गई यह फिल्म है।
विद्युत जमावल और नोरा फतेही स्टारर फिल्म क्रैक रिलीज हो गई है। फिल्म सिनेमाई घरों में दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही है और फैंस इस पर अपना भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। क्रैक यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 के साथ थिएटर्स में रिलीज हुई है। इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी परफॉर्मेंस दे रही। रिपोर्ट्स फिल्म क्रैक 23 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। सनक्लिक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन फिल्म ने 4.25 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी, वहीं दूसरे दिन भी फिल्म दमदार कमाई कर रही है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक ने शनिवार को अब तक 2.75 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसी के साथ दो दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर क्रैक का कुल कलेक्शन 7 करोड़ रुपये हो गया है। क्रैक यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 के साथ पर्दे पर आई है। क्लैश के बाद भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। हालांकि कमाई के मामले में आर्टिकल 370 विद्युत जमावल की फिल्म से आगे चल रही है। जहां क्रैक के दो दिनों का कुल कलेक्शन 7 करोड़ रुपये है, तो वहीं आर्टिकल 370 का कुल कलेक्शन 13.4 करोड़ रुपये है। तो क्रैक स्टार कास्ट प्रोडक्शन और स्टोरी के तहत क्रैक एक एक्शन स्पोर्ट फिल्म है जिसका बजट 45 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म को एक्शन हीरो फिल्म से प्रोड्यूस किया है और आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में विद्युत जमावल का एक्शन अवतार लोगों को खूब पसंद आ रहा है। क्रैक में नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल और एमी जैक्सन भी अहम रोल में नजर आ रही हैं। तो फिल्म मुंबई की मलिन बस्तियों से खेलों की दुनिया तक पहुंचने वाले एक आदमी की जर्ना को दिखाती है। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जमावल की क्रैक 2023 फरवरी को सिनेमाई घरों में रिलीज हुई है। इसमें एक बार फिर एक्टर ने अपने एक्शन अवतार से फैंस को चौंकाया है। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी, वहीं यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 के साथ क्लैश के बावजूद क्रैक शानदार कलेक्शन कर रही है। जानिए तीसरे दिन विद्युत जमावल की फिल्म ने कितने करोड़ का किया है कलेक्शन। तो विद्युत जमावल की क्रैक को ऑडियो और वीडियो ऑडियंस को काफ़ी क्रिटिक्स में मूवी को मिक्स व्यू मिल रहे हैं। हालांकि ओपनिंग डे पर फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। विद्युत जमावल की क्रैक ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 4.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, वहीं दूसरे दिन यानी कि शनिवार को क्रैक की 2.15 करोड़ की कमाई हुई थी। अब तीसरे दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। साइक्लिंक की रिपोर्ट के मुताबिक विद्युत जमावल की क्रैक ने तीसरे दिन यानी रविवार को 2.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। हालांकि ये अर्ली एस्टीमेट है और ऑफिशियल डेटा आने के बाद कमाई के आंकड़े में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। इस तरह विद्युत जमावल की दिनों में भारत में 8.80 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। और क्रैक एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है जिसमें विद्युत जमावल के अलावा नोरा फतेही और एमी जैक्सन में अहम भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल विलेन के रूप में नजर आएंगे। इसका निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है। फिल्म के सीन में अर्जुन और विद्युत शॉर्टलेस होकर फाइट करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं वाकई में शानदार हैं क्रैक की विद्युत जमावल ने अपने तो दोस्तों क्रैक को क्रैक के नाम से भी जाना जाता है। जो जीतेगा तो जिएगा। सन 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट एक्शन फिल्म है जिसे आदित्य दत्त द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है। एक्शन हीरो फिल्म्स के तहत विद्युत जमावल, इसमें विद्युत जमावल, अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन इसे भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्शन फिल्म माना जा रहा है। क्रैक 2023 में 23 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई थी। तो मुंबई की जुग्गी झोपड़ी में रहने वाला सिद्धू अपने खोए हुए भाई निहाल के बारे में सच्चाई जानने के लिए देव की अध्यक्षता में एक भूमिगत अस्तित्व खेल प्रतियोगिता मैदान में शामिल होता है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है। तो उनके बारे में, तो सिद्धार्थ सिद्धू दीक्षित के रूप में विद्युत जमावल हैं और देव
के रूप में अर्जुन रामपाल हैं, आलिया के रूप में नोरा फतेही हैं और प्रेटिसा नोवाक के रूप में एमी जैक्सन हैं। राजेंद्र सिसलकर सिद्धू के पिता के रूप में हैं। सलका पवार सिद्धू की मां के रूप में हैं। अंकिता मोहन निहाल दीक्षित सिद्धू के भाई के रूप